हरि बोल हरे कृष्ण।
हरी बोल हरे कृष्ण, हरी बोल हरे कृष्ण, हरी बोल हरी बोल हरी बोल। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ दिजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। तमादि देवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं। जं प्रभजन्त मनुपीतमपीत कृत्यं द्वैपायन विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तस्मे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरि 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 राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे कृष्ण जो ब्रजवासी लोग इंद्र पूजा करते थे, इंद्र पूजा को बंद करा के बोले पूजा कराना तो किसका पूजा करो, बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि ये जो गिरिराज गोवर्धन है यह हमारी प्रत्यक्ष देवता है, क्योंकि इनकी कृपा से ही हम गिरिराज वास कर रहे हैं। जो फल फूल पानी झरना की मीठी मीठी पानी हमें कहाँ मिलता है, बोले ये गिरिराज गोवर्धन से ही हमें प्राप्त होता है। इसलिए जो मेघ होता है गिरिराज गोवर्धन हरा भरा है, इसलिए
मेघ आकर के टकराता है गिरिराज गोवर्धन में और बारिश होती है। गैया घास कहाँ खाते हैं? बोले गिरिराज गोवर्धन से गैया घास खाते हैं। इसलिए प्रत्येक देवता गिरिराज है और प्रत्येक देवता कौन है? बोले ये गैया है, गो माता है, हैं? इसलिए कृष्ण का नाम गोपाल, जो गैया को जो पालन करने वाले वो गोपाल है। फिर और कौन? बोले ये ब्राह्मण देवता है, क्योंकि नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इसलिए कृष्ण भी जिन ब्राह्मण की पूजा करते हैं, इसलिए अब इन लोगों को पूजा करो पिताजी। इसलिए कृष्ण की कथा सुन करके जब ब्रजवासियों ने उन्होंने गिरिराज गोवर्धन की उन्हें पूजा करवाई, फिर कृष्ण गिरिराज जी स्वयं प्रकट होकर के सब कुछ ग्रहण किया और सबका आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? बोले आज का दिन मेरी सेवा में एक अन्न की दाना जिसने भोग में लगा दिया, उसको किसी जीवन में अन्न वस्त्र के घर में कभी कमी नहीं होगी। गिरिराज आशीर्वाद सबको दिया और कृष्ण गिरिराज सारे ब्रजवासियों को लेकर के उन्होंने श्री गिरिराज की परिक्रमा लगाई। कल गिरिराज परिक्रमा में सबसे पहले कौन चल रहे थे? बोले जितने ब्राह्मण संत। बोले उसको पीछे कौन चल रहे थे? बोले गैया भी परिक्रमा लगाई। उनको पीछे कौन चल रहे थे? बोले ब्रजवासी गोप। और सबसे पीछे कौन चल रही थी? बोले ब्रज के जितने माताएं, और सबसे पीछे राधा रानी गोपियों के साथ में सबको पीछे, और राधा रानी सबको पीछे चल रही थी। जब परिक्रमा हो रही थी, चलते चलते थोड़ी दूर जाते ही राधा रानी सोच रही हैं, देखो अगर कृष्ण मेरी मन की बात समझते हैं, सचमुच से राधा कृष्ण दो नहीं, जापी राधा सापी कृष्ण, जा राधा कृष्ण बस एक ज्योतिंग दिधाभिर्न राधा माधव स्वरूप। तत्वतः राधा कृष्ण दो नहीं, एक ही है। केवल लीला रस को आस्वादन करने के लिए ये राधा और कृष्ण ये दो रूप में प्रकट हुए हैं। अगर सचमुच से कृष्ण मेरे प्रियतम हैं, मेरी मन को बात समझते हैं, मैं चाहता हूँ कृष्ण एक बार मुझे दर्शन दे दें। अभी कृष्ण राधा जी की मन की भावना समझ गए, राधा रानी पीछे और कृष्ण बीच में, अभी कृष्ण राधा जी को दर्शन कैसे दे। इतने में कृष्ण बहाना बनाते हुए अपना लकुट को ना उन्होंने ऊपर में आकाश में है खेलते कूदते सखाओं के साथ में चल रहे थे, ऐसे जोर से फेंका, फेंक करके कृष्ण लकुटी को जो पकड़ने के लिए गए, राधा रानी की दो आंख श्याम सुंदर की दो आंख दोनों मिलकर के एक हो गए। बस राधा रानी तो प्रेम में गदगद हो गए। और थोड़ी दूर गए, थोड़ी दूर जाते ही फिर राधा रानी सोच रही है, क्या कृष्ण मेरे को थोड़ी सी आकर के स्पर्श करेंगे हैं? अभी कृष्ण राधा जी की मन की भावना समझ गए, बोले कैसे स्पर्श करूं? उन्होंने क्या किया, एक बछड़े को पीछे करके मुंह उसको पूछ को उन्होंने ऐंठ दिया। ऐंठ दे ही वो जो बछड़ा फुदकते हुए एकदम पीछे पहुंच गया। पहुंचते ही कृष्ण उसको बहाना बना करके सबसे पीछे पहुंचे और राधा रानी को उन्होंने स्पर्श कर लिया और राधा रानी का हृदय तो गदगद हो गया, श्याम सुंदर मेरे को स्पर्श कर दिया। ऐसे करते हुए गिरिराज गोवर्धन के सारे ब्रजवासी गिरिराज गोवर्धन के उन्हें परिक्रमा लगाया। जब परिक्रमा लगाया एक साल हो गया, इंद्र एक साल से टकटक लगा करके बैठा हुआ है। बोले क्यों? बोले साल में एक बार बढ़िया भोजन मिलता है। क्यों? पूरा 365 गांव ब्रज मंडल बढ़िया बढ़िया दाल बाटी चूरमा हाँ रसगुल्ला लेडीगिन चमचम छेना पोड़ो और छेना हाँ जिले पोड़ो पीठा और तरह तरह का अन्न दाल सब्जी कढ़ी पनीर का सब्जी मटर पनीर शाही पनीर राजमा चावल पता नहीं क्या किया। पूरा 365 गांव के हैं जब पीठा पर पीठा जितने पीठा होता है एक इंद्र आस लगा कर बैठा हुआ साल में एक बार बढ़िया भोजन मिलेगा। लेकिन इंद्र ने देखा इस साल तो कोई हमको बुला नहीं रहे, कोई
हमें कुछ अर्पण नहीं कर रहे हैं, खिला पिलाने क्या बात है, इस साल ब्रजवासी कर रहे हैं क्या? एक दूत को भेजा, भैया देख करके आओ ब्रज में क्या हो रहा है। उसने देखा इंद्र के लिए जितने भोजन बनाया था ना, वो तो सारे भोजन को एकत्रित करके उन्होंने श्री गिरिराज को सेवा में लगाए हैं। बोले क्या, एक साल में से मैं बैठा हुआ बढ़िया बढ़िया एक दिन में भोजन मिलेगा, और मेरे सारे खाना को लेकर के कृष्ण सबका बुद्धि बदला करके एक पहाड़ की पूजा कर रहा है। बोले हाँ पहाड़ की पूजा कर रहे हैं, अभी तेरे को ब्रज में कोई पूछने वाले नहीं। बोले मेरे को जानते हैं मैं कौन हूँ? बोले संवर्तक मेघ अनचास पवन, इधर आ जाओ सबके सब, ऐसे ब्रज में शिला वृष्टि बारिश ऐसे करो जैसे ब्रज नाम का कोई गांव जैसे नहीं रह जाए, और ब्रज में तो ऐ आंधी तूफान, यहाँ जैसे फनी आया था ना, हाँ एकदम फनी आ गया पूरा ब्रज मंडल में, क्या घड़ घड़ घड़, और आकाश से शिला वृष्टि और हाथी के सूंड के जैसे मूसलधारा से बारिशी आंधी तूफान ऐसे आ गया, मानो ब्रज में प्रलय जैसे आ गया हैं। और जितने ब्रजवासी थे सब के सब कृष्ण के पास में गए। बोले कृष्ण देख क्या हो रहा है, तेरे बात सुन करके हम लोग ने पूजा बंद करवा दिया, देखो ये इंद्र क्या नटखट कर रहा है। बोले कोई चिंता मत करो, हम सबके सब श्री गिरिराज की पूजा की, गिरिराज हमें अपना श्री चरण में स्थान देंगे। चलो सारे अपना सामान उठाओ, उठा करके ले चलो सबके सब, है सबके सब ले करके कहाँ पर आए? बोले गिरिराज तलहटी में आ गए। बोले आ जाओ सबके सब नीचे, और जैसे कि छोटा बच्चा छतरी को उठा लेता है ऐसे गिरिराज गोवर्धन को कृष्ण कनिष्ठ अंगुल के ऊपर में गिरिराज गोवर्धन को धारण के लिए। बोले गिरिराज महाराज की। बोले कोई चिंता मत करो, सारे सामान को लेकर के आ जाओ अंदर में। बोले गिर तो नहीं जाएगा? बोले चिंता मत करो। और राधा रानी ऐसे है, राधा रानी से तरसी चित्तवन से देख रहे थे, ऐ गिरिराज अगर नीचे तू आया ना तेरे को मैं जला करके राख बना दूंगी, वहीं के वहीं टिके रहो। कहते इतने सारे लोग गिरिराज को नीचे आए कैसे? क्योंकि हम कथा सुनते हैं कृष्ण जब रास रचाए ना कितने गोपी थे, कहते 100 करोड़, भारत में भी कितना करोड़ है, इसलिए भारत में 100 करोड़ और 100 करोड़ 130 करोड़ है, लेकिन रास लीला कर रहे थे कितना थे? बोले 100 करोड़। कहीं कहीं आता है वर्णन 300 करोड़, क्योंकि पूर्व पूर्व जन्म में जितने श्रुतिचरी जितने दंडकारण्य का ऋषि मुनि जितने जनकपुरी के जितने सब सीता जी के सहेलियां ये जितने पूर्व पूर्व जन्म में देव कुछ देव हाँ देव स्त्रियां सबके सब गोपी बन करके सबके सब आए, और इतने सारे लोग कहिया कितना है? कहते वृषभान महाराज का था 11 लाख हैं, और नंद बाबा का 9 लाख, लेकिन भागवत में आता है नंद बाबा ने कितना गया दान दिया? बोले 20 लाख, वो कहता 20 लाख गया। और वहाँ पर श्री जीव गोस्वामी वहाँ पर कहते हैं, वहाँ पर एक उन्होंने संख्या दिया है, क्या कि संख्या दिया है अजूत नाम से कुछ संख्या दिया है, जिसमें करोड़ों करोड़ों जहाँ पर गया है इतने, और 365 गांव हैं। बोले इतने सारे ये गिरिराज को नीचे कैसे आ गए, कैसे आ गए गिरिराज को नीचे? तब उनका उदाहरण दिया, भगवान का जो धाम ये चिन्मय अप्राकृत दिव्य धाम है, इसलिए चिंतामणि प्रखर सदम सुकल्प वृक्ष, वहाँ की जो भूमि वो चिंतामणि है, वृक्ष कल्प वृक्ष है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर कोई असंभव नहीं, सारे संभव वहाँ पर, क्यों भगवान का धाम में सब कुछ समा जाते हैं, इसलिए सारे ब्रजवासी आनंद पूर्वक वहाँ पर सबके सब गिरिराज तलेटी में, और मैया जसोदा कन्या को बारंबार मक्खन खिला रही थी मेरे लाला को भोग नहीं लग जाए, फिर वहाँ पर फिर मैया जसोदा कृष्ण के हाथ को ऐसे हैं मालिश कर रही थी, लाला को हाथ में दर्द नहीं हो जाए, 10 मिनट हाथ कर लेना है, 10 मिनट हाथ कर दे करना कठिन है हैं। और कृष्ण 7 दिन तक दिन रात खड़े रहे हैं बहादुरी के साथ में, और इतना बड़ा गिरिराज गोवर्धन को उठा करके हैं 7 क्रोश गिरिराज को
सात साल का बालक और सात दिन तक धारण किया, गिरिराज गोवर्धन को धारण किया, इसलिए मैया जसोदा हैं ये कर रही था। और इतने में जितने गोपियां थी ना, गिरिराज धारण करने का एक कारण क्या था, कृष्ण सोच रहे थे ये ब्रजवासी सब मेरा ही प्राण है, ब्रजवासी मेरे प्राण हैं, हैं? इसलिए मैं चाहता हूँ इनको साथ में सात सात दिन तक एकत्रित रह करके मैं क्या करे, एकत्रित रह करके मैं इनको साथ में उत्सव मनाऊं। तद ये एक कृष्ण की इच्छा है। कद ये एक इच्छा है, किसके ये एक इच्छा है, कद श्री कृष्ण के ये एक इच्छा है, इनको साथ में सात दिन तक हम बिताए इनको साथ में। इसलिए अभी गोपियां नहीं चाहने पर भी क्या हो रहा है, सामने आकर के हैं, जैसे किसी गाड़ी में जा रहे हो उस समय, जैसे अगर ज्यादा लोग क्या होता है, हम एकदम चिपक चिपक कर खड़े हो जाते हैं, उस समय नहीं देखते ये लड़की है ये लड़का है, हैं? इसलिए जिन ब्रज गोपियों को साथ में कृष्ण को मिलना बड़ा कठिन होता था, अभी क्या हो रहा है, एकदम सामने नहीं चाहने पर राधा रानी सामने आ गई, गोपियां सामने आ गई और दोनों आपस में दर्शन कर रहे हैं, आपस में दर्शन करते हुए सबके सब वहां पर खड़े, और कृष्ण की जो इच्छा है सारी इच्छा कृष्ण की उसमें पूरी हो गई, सब प्रसन्न है। और वहां पर जब सात दिन तक इंद्र ने शिला वृष्टि वज्रपात और जितना चेष्टा सब कुछ उन्होंने इच्छा पूरी कर दी, सात दिन के बाद में एक दूत को उन्होंने भेजा, बोले जाओ तो देख कर क्या हो, ब्रज सत्यानाश हो गया कि नहीं, ब्रज नाम का कोई गांव है कि नहीं। एक दूत आया आकर केवल ऊपर ऊपर से देख कर गया तो जाकर के पहुंचा, बोले क्या क्या तुमने देखा, बोले महाराज इंद्र एक चिट्टी भी ब्रज में नहीं, खत्म, कोई नहीं, सारे ब्रज खत्म हो गया। इंद्र और एक दूत को भेजा, भैया तू देख कर का, वो तो ऊपर गया था, ये एकदम नीचे आया, नीचे आकर के देखा तो वहां एक चिट्ठी तक भी मरे नहीं है, क्यों, कहते ब्रज में रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं ब्रज में जितने गुल्म लता कीड़े मकोड़े, कहते वो कौन है, बोले कृष्णानुकूल्यम, ये सब के सब कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा जैसे व्यक्ति, जब कृष्ण ने कहा ब्रह्मा जी यहाँ से कोई कीड़े मकोड़े बन जाओगे, पशु पक्षी बन जाओगे, बोले नहीं 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 नहीं, हम इतने सौभाग्य नहीं किया आपका ब्रज में कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बनने का, अभी मेरा सौभाग्य नहीं, ब्रह्मा मना कर दिया, क्योंकि सबके सब कृष्ण सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए तब वो वापस गया है, जब उसने देखा ब्रजवासी तो वहां पर आनंद ले रहे हैं, उत्सव मच रहा है वहां पर, कहते भैया सात दिन तक बारिश हुई, आप तो अगर एक दिन खड़े हो जाओ कहीं, अगर यहाँ पर जैसे क्या आ गया था, यहाँ पर जैसे फनिया आ गया था, कितना घंटा, दो ढाई घंटा में आ गया था, सब तोड़ फोड़ करके सब चला गया हैं, लेकिन वहां पर तो सात सात दिन तक आया है, सात सात दिन तक, और इतने ब्रजवासी पर सात दिन तो कैसे एक जगह पर खड़े रहे हैं, एक जगह पर सात दिन तक खड़े रहना कोई साधारण बात है, कहते कैसे खड़े कैसे रहे, और उसी समय में सबके सब कृष्ण का जो मुखार बिंद है ना, कृष्ण की मुखार बिंद को दर्शन करते हुए इतने आनंद है, इसलिए बोलते नमो पंकज नावाय, नमो पंकज मालिनी, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्र, इसलिए भगवान की मुख कमल, जगन्नाथ जी का मुख कमल है, नेत्र कमल है, कहते उनका केवल दर्शन करते 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 इतने आनंद, इसलिए कृष्ण में एक प्रेम माधुर्य है। प्रेम माधुर्य में क्या बताते रूप गोस्वामी, जैसे ब्रज गोपियां ब्रह्मा का एक दिन तक रास लीला किया, ब्रह्मा का एक रात, एक रात कितना, बोले 1000 चतुर्युग, 1000 चतुर्युग तक उन्होंने रास लीला किया, लेकिन गोपियों को लगा कैसे, अभी आया और खत्म हो गया,
क्यों? कृष्ण को साथ में आनंद में रहने का इतना आनंद है, उनको साथ में रहने का इतने आनंद है, इसलिए कृष्ण की मुखारविंद को दर्शन करते करते ब्रजवासी निहाल रही थी, प्रेम में गदगद हो रही थी, प्रसन्न हो रही थी, उनको पता ही नहीं चला क्या हो गया नहीं हो गया है। और सबके सब क्या कर रहे थे, भगवान का कीर्तन करते रहे थे, होली खेल रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। इसलिए एक भजन गा लो, अब होली का हाँ मैं गा लेता। बोले आज बीरज में होरी रे रसिया, 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 होरी रे रसिया भरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में अपने अपने भरोसे निकसे, अपने अपने आ कोई गोरी कोई काली रे रसिया, कोई गोरी कोई काली रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया भर जोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज कान्हा के हाथ कन कपिचकारी, राजा के हाथ कमोरी रे रसिया, राजा के राधा के हाथ कमोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में उड़त गुलाल लाल भय बादल, केसर रंग के गोरी रे रसिया, केसर रंग के गोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज बीरज में होरी रे रसिया, आज 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 बीरज में होरी रे रसिया, रसिया की। जब वो दूत वापस गया, इंद्र ने पूछा क्या ब्रज की सत्यानाश हो गया कि नहीं, बोले ब्रज का सत्यानाश ना तेरा सत्यानाश हो गया। बोले मतलब? बोले जिसको तू बालक समझ रहा था वो बालक नहीं, वो तो कनिष्ठ अंगुल और नख को ऊपर में श्री गिरिराज गोवर्धन को धारण करके रखे, और जितने ब्रजवासी इसका नीचे आनंद ले रहे, होली होली खेल रहे सबके सब, वहां पर तो खूब आनंद ले रहे हैं,
कोई विपत्ति नहीं होता, संपत्ति वहां पर है। इंद्र ने देखा फिर ये बालक है कौन, ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके देखा ये तो मेरे प्रभु है, ये इंद्र पद गतो बलि ने मेरे से छीन लिया था और इन्होंने कृपा करके दोबारा उन्होंने बामन रूप में मेरे को ये हैं, ये इंद्र पद उन्होंने मेरे को कृपा करके दिया था, मेरे प्रभु है। इंद्र ने सोचा लगता है मेरा अमरावती हैं इंद्रपुरी गया मेरे हाथ से, इसलिए उसने अपना सचिन पत्नी को साथ में अमरावती में विश्राम करने के लिए गया, लेकिन उसको नींद नहीं आई। बोले क्यों, तो लगता है मेरा गया इंद्रपदी गया है। फिर घबराते हुए अपना गुरु जी को पास में गया, बृहस्पति को पास में, बोले गुरु जी ऐसे ऐसे बात हो गया, गुरु जी आप तो गुरु जी हो, आप कुछ करो मेरे के लिए। बोले भैया मैं तो कुछ कर नहीं सकता। बोले फिर क्या करेंगे, बोले चलो ब्रह्मा जी को पास में चलेंगे, तो पितामह है हो सकता है ठाकुर जी को मना लेंगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को पास में गए, जब ब्रह्मा जी को पास में गए बोले तुमने सर्वनाश कर दिया, कि जो कृष्ण ये ऐसे का बता रहे ना, उन्होंने किसी की घमंड को नहीं छोड़ा, सभी का घमंड का इन्होंने तोड़े हैं। इसलिए मैं भी कुछ दिन पहले बड़े बुरी तरह से मैं भी विपत्ति में फंस गया। बोले आप भी फंस गए थे, बोले हाँ। बोले कैसे फंस गए थे, बोले कृष्ण जब कृष्ण गोकुल में उन्होंने जमला अर्जुन को भंजन किया, जमला अर्जुन भंजन करने का बाद सारे ब्रजवासी बैठ कर मीटिंग किया, बोले देखो लगता है जो ब्रज है ना ये हमारे रहने का लायक नहीं रह गया, पहले तो पुतना आ गया, फिर तृणावर्ता आ गया, फिर सकटा शुरू आ गया है, एक को बाद में एक, एक को बाद में एक, पहले तो दैत्य लोग पीछे पड़ गए थे, अभी तो ये पेड़ भी टूट टूट करके पीछे कृष्ण के ऊपर में गिरने लग गया, लगता है ये गोकुल हमारे रहने का लायक नहीं रह गई, चलो हम सब के सब चलते हैं कहाँ, और कहीं चलते हैं, बताओ और कहाँ पर चले। इसलिए इसका नाम ब्रज है, क्या नाम है, ब्रज। ब्रज मतलब क्या, बोला ब्रज गतो है, जो ब्रज मतलब गतो चलती, ब्रज चलती, क्योंकि वो ग्वाला थे हैं, उनके पास में गो गाभी थी, एक जगह पर रहते थे, जब वहाँ घास पास खत्म हो जाता था फिर उनको उठा करके फिर और कहीं ले जाते थे, फिर वहाँ जाकर रहते थे, जब वहाँ के घास पौधा सब खत्म हो जाता, इतनी जब गैया है खत्म हो जाता था, फिर वहाँ से और कहीं चले जाते थे, ऐसे ही इसलिए इसका नाम ब्रज। वह व्यापनात् ब्रज उच्यते, दूसरा अर्थ है जो व्याप्ति है, हैं जो दिव्य है, हाँ व्यापनात् ब्रज उच्यते, जिसकी व्याप्ति सर्वत्र, जिसकी व्याप्ति है, चिंतामणि हैं अपराकृत दिव्य भूमि है वृंदावन धाम। इसलिए बले और कहीं, बले बताओ कहाँ जाएंगे, सबसे जो वृद्ध गोप थे उनका नाम था उपानंद, बोले देखो ये पास में एक बड़ा सुंदर स्थान है जिसका नाम से वृंदावन धाम, जहाँ पर सुंदर कलकलनाद से जमुना पटरानी बह रही है, जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन है, बच्चों को खेलने के लिए सुंदर सुंदर वहाँ मैदान भी है, पेड़ पौधा भी है, हर तरह से हरा भरा है, सुंदर मनोरम स्थान। बोले ठीक है आज ही चलेंगे, कल नहीं आज चलेंगे, आज दिन बढ़िया दिन है, चलो जाओ ब्रज में ढिंगरा पिटवा दो, आज हम सबके सब चलेंगे, कहाँ पर चलेंगे, वृंदावन चलेंगे। सारी ब्रजवासी वृंदावन चल पड़े, जब वृंदावन चल पड़े कल जितने जवान गोप थे सबके सब धनुष बाण ले लिए हैं, धनुष बाण लेकर के, और जितने वृद्ध लोग थे उनको बैलगाड़ी में बैठा दिए। जिस समय काली गैया चलती थी ना, वो ऐसे लगता था पूरा जैसे जमुना की जैसे धार चल रही, जहाँ पर सफेद गैया जब चलती थी लगता था ये गंगा नदी जैसे प्रवाहित हो रही है, बड़ा सुंदर मनोरम स्थान है। कहते एक बैलगाड़ी में रोहिणी यशोदा कृष्ण बलराम बैठे हुए, एक सकट गाड़ी में बैठ करके चल रहे थे। अभी कृष्ण का उम्र कितना है, बोले 3 साल 2 महीना के कृष्ण अभी, हाँ जब उन्होंने गोकुल को छोड़े, जब चल रहे थे कृष्ण तो 3 साल 2 महीना केवल छोटे बच्चे हैं। अभी जैसे छोटे बच्चों का क्या स्वभाव होता है, जो चीज देखना वही पूछे। बोले
मैया मैया, कहा गाते है, बोले मैया ये कौन सा पेड़ है जिसमें दाढ़ी दाढ़ी है? बोले लाला ये वृक्ष का नाम है बरगद पेड़ है। बोले मैया मैया ये कौन सा पेड़ है जिसमें सारे पत्ते हिल रहे हैं? बोले इसका नाम पीपल पेड़ है। बोले मैया मैया देख कितने सुंदर कोई चिड़िया कितनी मीठी बोली बोल रहे हैं। बोले कोहो कोहो। बोले मैया ये चिड़िया का नाम क्या है? बोले लाला इसका नाम कोयल है। और थोड़ी दूर गए, बोले मैया 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 देख 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 क्या है? बोले क्या है? बोले देखो कितने सुंदर चिड़िया है जिसकी शरीर में, कितने सुंदर चित्रकारी जिसकी शरीर में। बोले मैया ये चिड़िया का नाम कहा है? बोले लाला इसका नाम मोर है। बोले मोर है? बोले हाँ। बोले मैया एक का तो पूछ है और एक का पूछ नहीं है, ये क्या है? बोले जिसका पूछ है ना वो पुरुष है और जिसका पूछ नहीं वो स्त्री है। बोले मैया ये एक का एक दूसरों को क्या लगता है? बोले जो बिना पूछ वाली है ना वो पूछ वाले की बहू लगती है। बोले बहू है? बोले हाँ। और थोड़ी दूर दूर गए, बोले मैया 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 देख देख कितने सुंदर जानवर जिसके शरीर में कितने सुंदर कलाकारी है। बोले मैया इसका नाम क्या? बोले हिरण है। बोले हिरण? बोले हाँ। बोले मैया एक का सींग एक का दूसरा का सींग नहीं, ये क्या है? बोले जो सींग है ये पुरुष है और जिसका सींग नहीं ये स्त्री। बोले मैया एक दूसरों को क्या लगाए? बोले जो बिना जो सींग वाले की बहू लगती है। बोले मैया सभी का बहू मेरी बहू का है, इसलिए मेरे लिए भी बहू लाते है। इसलिए कृष्ण कभी कभी ब्रज में एक सुंदर भजन है, कहते मैया मेरे लिए एक छोटी सी बहू ला दे, हैं गोरी होनी चाहिए काली नहीं, और मैया उसकी नाक कैसे होनी चाहिए, सुख पखी जैसे नाक होनी चाहिए, मेरे से लंबी नहीं मेरे से छोटी होनी चाहिए। और अगर कभी हम लड़े ना तेरे पास में शिकायत नहीं करे, हैं शिकायत नहीं करे और थाला भर भर के मेरे को खाना खिलाए है, इसलिए मैया मेरे लिए एक सुंदर बहू ला दे। मैया बोली बेटा कोई चिंता मत करो, ब्रज में चलो, ब्रज में जाने पर तेरे लिए भी एक बहू ला दूंगी, कोई चिंता मत करो। बोले नहीं बहू तो अभी चाहिए है? मेरे को बहू अभी चाहिए। तो कहीं कथा आती है, बोले ठीक है, जितने बड़ी बड़ी गोपियां बैठी गई गोल करके और घूंघट उखाड़ करके, बोले छांट ले किसको चाहिए। कृष्ण ने जाकर के एक बड़ी गोपी को बोलिए मेरी बहू। बोले ठीक है ये तेरी बहू, चलो अभी वृंदावन में चलो। कृष्ण खुश होकर के वृंदावन में आते हैं। वृंदावन में कहाँ आकर रुकते हैं? बोले छठीगरा में। हाँ छठीगरा में। बोले सकटम अर्ध चंद्रवत, उन्होंने सकट बैलगाड़ी को उन्होंने आधा चंद्राकार रूप में उन्होंने, क्योंकि ग्वाला लोग है ना पूरा के पूरा सकट गाड़ी को, सकट ही उनका बड़ी बड़ी सकट गाड़ी होता था। हाँ बैलगाड़ी सगड़ा हैं, बड़े बड़े बड़ी बड़ी होती थी जिसमें सुंदर सुंदर अंदर में घर बनता था। उड़ीसा देश में भी हमारे गांव में पहले वही चलता था, लोग जब चलते थे उसमें बहू उसमें बैठ करके परिवार उसके अंदर बैठ करके चलते थे, और वही उनका ही सब कुछ था। उन्होंने अर्ध चंद्रवत कर दिया जिधर से हवा आती है, और बड़े सुंदर वहाँ पर गाँव में बैठाया और गाँव बैठा करके बस वहीं पर ब्रजवासी लोग टिके टिके। अब जब आए तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जब कृष्ण वृंदावन में आए ना, कहते उत्तम प्रीति, कृष्ण को बड़ा आनंद लगा वृंदावन धाम में, कृष्ण को बड़ा प्रसन्न हुआ। इसलिए गोपियां कहते हैं वृंदावनम सखी विभो वितनोति कीर्ति जब देव के सुत पदा भोज पद्म लक्ष्मी। इसलिए कृष्ण जब ब्रज में आए कहते कहते सखियां बोले वृंदावन धाम कितने महिमा है, जहाँ पर कृष्ण जब थोड़ी सी बड़े हुए जब उनका चरण जब वृंदावन धाम में पड़ता था, जिन वृंदावन धाम उनके हृदय में भगवान के चरण को धारण करते हुए बड़े प्रसन्न होते थे। इसलिए उसमें जो घास गोपियां कहती घास नहीं बोले कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके ये पृथ्वी का रोंगट खड़े हो गए। बोले जो झरना बहती है बोले झरना नहीं बह रही है, बोले क्या है? बोले उनको आनंद से आंखों से उनकी आंसू बह रही है। इसलिए देखो ये वृंदावन धाम
कितना महिमा श्री वृंदावन धाम की, कितने महिमा। और जो गिरिराज गोवर्धन में जब चलते हैं, कहते कृष्ण का चरण में जो नोकीले नोकीले पत्थर है, कांटा नहीं लग जाती है? बोले नहीं, बोले जब कृष्ण चलते हैं ना, ये गिरिराज गोवर्धन अपना जीवा को निकाल देती है। बोले क्यों? बोले ठाकुर जी के चरण है, जो चरण को ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशार्चि तच्च पद, इसलिए इसको थोड़ी पृथ्वी है, पृथ्वी थोड़ी नीचे गिरने देगी, उस समय पृथ्वी अपना जीवा निकाल देती है। और जीवा कितने गुदगुदी, कितने कोमल होता है कृष्ण का चरण है। और केवल इतना नहीं, भगवान के चरण को है ऋषि मुनि जिनके चरण के लिए इतने तपस्या करते, नीचे थोड़ी गिरने देंगे। कहते हैं संत लोग तो अपना हृदय को बिछा देते हैं। बोले प्रभु हमारे हृदय में ही अपना अपना चरणों को हमारी हृदय में धारण करो। इसलिए उत्तमा प्रीति भगवान को बड़ा प्रसन्न लगा वृंदावन धाम। क्यों? वृंदावन ये तुलसी वन, और वृंदावन क्या है? बोले राधा जी की हृदय आनंद हृदय मन और मोर मन वृंदावन। राधा रानी अपना हृदय को बिछा दी वृंदावन धाम रूप में है। इसलिए कृष्ण वृंदावन आकर के इतने प्रसन्न हुए वृंदावन में आकर के भगवान। अभी जब कृष्ण वृंदावन धाम में आए और रहे, कहते यहीं से उन्होंने बछड़े और गैया उन्होंने सतीग्रह के, उन्होंने बछड़ा चराना शुरू किया। बछड़ा चराने के लिए जाए गए तो उन्होंने पहले उन्होंने बकासुर को वध किया। बोले ये बकासुर कौन है? बोले ये कपट है। बकासुर कौन है? अब देखना बगुला देखे होंगे हैं, बगुला। अब देखना बगुला जब पानी में खड़ा रहता है और एक प्यार में एकदम एक प्यार को ऊपर, एक जैसे ऋषि जैसे तपस्या करते है ना, ऐसे एकदम एक जगह पर थोड़ा सा हिलेगा नहीं डोलेगा नहीं। क्यों? मछली को पता नहीं चल जाए यहाँ पर बगुला, और जब मछली आएगा ना झट मुंह मारेगा है, झट उसको पकड़ लेगा। इसलिए कहते ये कपट है। इसलिए जब राम लक्ष्मण जा रहे थे, इतने में भगवान राम लक्ष्मण को कहते हैं, लक्ष्मण देख लक्ष्मण ये बगुला कितना बड़ा तपस्वी है, एक प्यार के ऊपर में खड़ा हुआ है। लक्ष्मण कहते हैं प्रभु जी आप मछलियों को पूछो ये कितना बड़ा तपस्वी, मछलियां बता देंगे। ये मछलियों को बता, क्यों? ये मछली को खाने के लिए चुपचाप खड़ा है। इसका तात्पर्य क्या है? ऊपर में तो साधु का रूप, लेकिन अंदर में कपटता है, अंदर में ये कपटता है। इसलिए भगवान कहते हैं छल कपट मोहे नाही भावा, मतलब है कि जो छल और कपट है ये मेरे को पसंद नहीं। इसलिए कि बंसुरी क्यों बजती है? कारण है उसका अंदर में पोला, उसका अंदर में पोला है, मतलब क्या उसके हृदय में कुछ है ही नहीं। इसलिए कृष्ण जैसे चाहते हैं बंसुरी में जैसे फूंक देते हैं, बंसुरी ठीक ऐसे बजती है। इसलिए कृष्ण कहते मेरे पास में आओ तो बंसुरी बन करके आओ, और मैं जैसे चाहूं तेरे को मैं ऐसे ही बजाऊं। इसलिए कृष्ण पहले उन्होंने ये बकासुर को वध किया, और जब उन्होंने और एक दिन जब गए, इतने में अघासुर आ गया। अघ मतलब होता है पाप। ये बहुत बड़ा मुंह फाड़ करके बैठा हुआ था, कंस इनको भेजा था कृष्ण को मार डालो, वो एकदम पूरा मुंह फाड़ करके आकाश और नीचे उसका मुंह था। सामने कृष्ण के छोटे छोटे सखा जा रहे थे, छोटे छोटे सखाओं ने जब उन्हें दूर से देखा कि क्या है, हम तो रोज यहीं पर गैया चराने खाते, हमने तो कभी इसको देखा नहीं, ये तो इतना बड़ा मुंह फाड़ करके लगता है कोई जानवर, कोई सर्प बैठा हुआ खाने के लिए। इतने में छोटे छोटे सखा तो भागने लगे, जो भागने लगे जो बड़े बड़े सखा, बोले कहाँ भाग रहे हो? बोले देख रहे हो क्या है, ये कोई सांप मुंह फाड़ करके बैठा हुआ खाने के लिए। बोले पागल है, इतना बड़ा कभी सांप देखा जिंदगी में? बोले अगर सांप हो तो बोले चिंता क्यों करते हो, हमारे साथ में लाला है ना, कन्या है ना, काना है, जैसे बकासुर को मार दिया अघासुर को भी मार डालेंगे। बोले चिंता मत करो, चलो लगता है कोई गुफा, चलो अंदर में घूम करके आते हैं। जब अंदर में गए, सांप का दो जीवा होता है, हैं? और जीवा कितने गुदगुदी। जब थोड़ी दूर गए, बोले वाह लगता है किसने कोई कारपेट बिछा करके रखे,
और इतनी गुदगुदी, इतने मुलायम लग रहा है। एक ने पूछा है, इसमें ये दो रोड क्यों बना हुआ, सांप का दो जुआ है। एक ने कहा पता नहीं, एक अंदर में जाने का और एक अंदर से आने का है। और वो सांप तो श्वास बंद करके बैठा हुआ था, पता नहीं चले। लेकिन जब उसने धीरे धीरे श्वास छोड़ने लगा ना, वो तो खाते हैं जानवरों को, और मुंह से बदबू निकलने लग गया। अरे ये क्या है, अंदर से ये गर्मी गर्मी हवा क्यों आ रहा है, अंदर से ये बदबू कहाँ से आ रहा है। अरे बात करते 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 अंदर में चलते गए। जब चलते गए, इतने में आकाश को ऊपर से देवता लोग देख रहे थे और दूसरे तरफ से कंस का चर देख रहे थे। कंस का चर ने देखा, बस काम हो गया, काम आज हो गया कंस का, न रहेगा बांस न बजे की वसूली। इसलिए लगता है आज कृष्ण सखा साथ में खत्म हो जाएंगे। और जो देवता लोग थे, जो देख रहे थे, वो हाहाकार कर रहे थे, बोले हे भगवान, ये तो सबके सब अंदर में चले गए, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। और वो अपेक्षा कर रहा था कृष्ण अंदर में आ जाए, फिर मैं मुंह को मैं बंद कर दूंगा। कृष्ण सबसे पीछे थे और उन्होंने जब देखा दूर से, अरे ये तो आकाश में बैठा हुआ, मेरे सखा लोग तो ऑलरेडी अंदर में चले गए। कृष्ण आवाज लगाए, बोले सखाओ सखाओ अंदर में मत जाओ, ये आकाश में बैठा हुआ है। लेकिन ऑलरेडी सबके सब चले गए। कृष्ण सोच रहे हैं, मेरे को एक साथ में दो काम करना पड़ेगा, एक में तो इसको मारना पड़ेगा और दूसरे में फिर इनको मेरे भक्तों को रक्षा करना पड़ेगा। कृष्ण प्लानिंग कर रहे हैं, इनको मैं रक्षा करूं कैसे, इनका रक्षा कैसे करूं, इसको मारू कैसे। इतने में कृष्ण जब अंदर में गए, कंस का जो चर थे दौड़ दौड़ कर गए कंस के पास, बोले महाराज कंस बस काम बन गया तुम्हारी। बोले क्या, बोले हमने देख करके आया सबके सब घासुर का मुंह में चली गई। लेकिन जो देवता लोग थे हैं, वो लोग तो डर गए, बोले प्रभु भी अंदर में चले गए, अब भी क्या होगा, अब भी क्या होगा। और कृष्ण अंदर में गए और उसको ठीक गली के पास में जाकर के अपना विश्वंभर रूप भगवान धारण किया, हाँ विश्व रूप धारण किया। इतने कृष्ण बड़े हो गए, वो मुंह का बंद करेगा, मुंह खाली हो तब तो बंद करेगा ना। कृष्ण तो उसका मुंह में ही भर गए, आप भर गए तो मुंह ही बंद नहीं कर पाए। और कृष्ण गले में जाकर अटक गए, और अटक गए ना आपका श्वास बंद हो जाए, फिर तो प्राण जाने में देर नहीं, एक सेकंड में प्राण चली जाएगी। जब प्रभु उसको गले में अटक गए, श्वास ही बंद हो गया, फिर तो उसका ब्रह्म तालु फट गया, दोनों आंख रसगुल्ले जैसे बाहर निकल करके आ गया। और कृष्ण उसको बंद कर दिया, पर जो सखा लोग अंदर में चले गए थे, उसकी जहरीले से कृष्ण सखाओं को अमृतमय दृष्टि से सखाओं को उन्होंने प्राण दान दिया। दे करके जब उन्होंने ब्रह्म तालु फट गया, वहां से एक ज्योति निकला और ज्योति जाकर के आकाश मार्ग में मंडरा रहा था। और कृष्ण जब बाहर से बाहर निकले, वो ज्योति आया और कृष्ण को शरीर में प्रवेश कर गया। ये चीज को जब देवता लोगों ने देखा है ना, बोले बावारी ये कौन है। इतने में सारे देवता लोगों ने कृष्ण की जयकार लगाए, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, हर जोर से बोलो, बोले श्री नंद के लाला की, जय जगन्नाथ महाप्रभु की। अभी देवता लोग आपस आपस में चर्चा कर रहे थे, देखो कृष्ण कितने बड़े काम किया है, कितने बड़े दैत्य को वध किया। ये धीरे धीरे ये जो चर्चा, पहले भूर भुव मोह जन तप, और ये चर्चा धीरे 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 सत्यलोक में पहुंचा। जब सत्यलोक में पहुंचा, पितामह ब्रह्मा जी जब ये बात को सुने, ब्रह्मा जी उतर करके आए। जब ब्रह्मा जी उतर करके आए और उन्होंने क्या देखा उतर करके, ये कृष्ण ने है केवल कृष्ण को उम्र 5 साल, और उसी उम्र में ही कृष्ण ने क्या किया, उस समय उन्होंने ये अघास रूप उन्होंने वध किया। और उसका ज्योति आ करके जब कृष्ण को शरीर में प्रवेश किया, ब्रह्मा जी तो मोहित हो गए, आश्चर्य में पड़ गए, अरे बालक कौन है, इतना छोटा सा बालक और इतना बड़ा दैत्य को मार डाला, इतनी कौन है बालक। इतने में कृष्ण ने फिर क्या किया, जब उन्होंने
गए जा करके अपना सखाओं को लेकर यमुना किनारे में बैठे और अपना घर से जो कलेवा लेकर के आए थे, नाश्ता लेकर के आए थे, सब अपना पोटली खोटली खोले, अपना पोटली खोल करके कोई मालपुआ, कोई राबड़ी, कोई दूध दही भात, कोई दही भात है, कोई तरह तरह का सब घर से माताओं ने जो दिया था, कृष्ण बीच में बैठी गए और सखा लोगों ने चारी तरफ में घेर घेर के बैठी गए है। इसलिए उदाहरण दिया, जैसे कृष्ण जैसे बीच में जैसे कमल फूल है ना, जैसे कमल फूल का जैसे बीच में कर्णिकार, चारी तरफ में पंखुड़िया, कृष्ण कृष्ण का कितना सखा वहां पर वर्णना किया, हजार हजार सखाए कृष्ण को साथ में चारी तरफ में गोल करके बैठी गए। लेकिन आश्चर्य की बात ये था, हर सखा देख रहे थे कृष्ण मेरे साथ में बैठे, पीछे भी देख रहे थे कृष्ण मेरे तरफ। उदाहरण दिया जैसे सालग्राम है, हमारे यहाँ सालग्राम है ना, उसका मुंह कहाँ है, इसलिए उनका सर्वत, उनका सर्वत्र आंख है, सर्वत्र हाथ है, सर्वत्र उनको प्यार। ये गिरिराज का देखो, गिरिराज का मुंह किधर, आंख किधर है, सब जगह में आंख, सब जगह में नाक, सब जगह में कान है। इसलिए उसी तरह भगवान की वहां पर भगवान अपना अनंत ऐश्वर्य का प्रकाश किए और सबके सब अपना अपना घर से जो भोजन ला रहे थे, खा रहे थे और कृष्ण को खिला रहे थे और आनंद में आनंद ले रहे थे। एक सखा ने क्या किया, जो पकौड़ा लाए थे बैगन का पकौड़ा, उसको अंदर से बैगन को निकाल दिया और उसको अंदर में नीम पत्ता भर दिया, भर करके बोले मेरे मैया तो आज इतने सुंदर पकौड़ा दिया, लेकिन मधुमंगल ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण थोड़े खाने का ज्यादा लोभी होते हैं, इतने बोले मेरे को नहीं दोगे, बोले तेरे को थोड़ी देने का, बोले देना ही पड़ेगा। उन्होंने क्या किया, वो छीन करके जब उन्होंने मुंह में डाला ना पकौड़ा, लेकिन उसके अंदर नीम पत्ता भरा हुआ, और जब चिबाया एकदम एकदम पूरा नीम नीम कड़वा कड़वा, और उसने अपना जन्हे को निकाले, बोले मेरे को तुमने कड़वा खिलाया, तेरे को अभिशाप देता हूँ। इतने में ऐसे आपस में है, ऐसे आपस में हंसी खली कर रहे थे और कृष्णा क्या कर रहे थे, सखावों ने क्यों खिला रहे थे, कृष्ण खा रहे थे, कृष्ण सभी का झूठा खा रहे थे। इंद्र हमारे ब्रह्मा जी देखा, ब्रह्मा कौन है, लेकिन प्रभु को कभी जैसे जगन्नाथ जी का भोग लगता है ना, जगन्नाथ जी को कैसे जो रसोई बनाते नाक में मुंह में कपड़ा बांध करके, क्यों, थूक नहीं गिरी जाए, थूक नहीं गिरी जाए, इसलिए जो सेवा करते बड़ा निष्ठा नियम पूर्वक। अगर कोई जगन्नाथ मंदिर में कोई खून कहीं गिर पड़ा, अशुद्धि हो गया, मारा हो गया, तो सारे भोग को गाड़ देते हैं, मतलब इतना निष्ठा नियम पूर्वक, क्योंकि जो जगन्नाथ जो मंदिर है इसको द्वारका भाव से पूजा हो रही है, ये द्वारका भाव से, द्वारका में क्यों, जगन्नाथ जी को साथ में लक्ष्मी रहती है, लक्ष्मी, इसलिए उपासक के अनुरूप भगवान वैसे बनते हैं। ब्रज में ब्रज गोपी सखा है, इसलिए वहां पर ब्रज भाव है, क्यों, मधुर माधुर जो भावना, लेकिन चूंकि यहाँ पर लक्ष्मी रहती है जगन्नाथ मंदिर में, लक्ष्मी का जो भावना ऐश्वर्य भावना है, इसलिए ब्रह्मा जी ने देखा ये कैसे भगवान है, इसको तो छुटन फुटन कभी कुछ पता नहीं है, इसलिए ब्रह्मा जी थोड़ी सी आगे लीला दर्शन करने के लिए कृष्ण का बछड़े और उन्होंने सखाओं को उन्होंने चोरी किया। हाँ, पहले तो उन्होंने सखाओं को चोरी कर ली, बछड़ों को चोरी किया, जब कृष्ण ढूंढने के लिए गए बाद में सखाओं को चोरी कर लिया, इतने में जोग माया कृष्ण को स्फूर्ण कराया। अरे प्रभु, ये ब्रह्मा जी आपका ये लीला को समझ नहीं पाए, इसलिए आपको थोड़ी सी आगे लीला देखने के लिए ब्रह्मा जी ने ये काम किया। बोले यही से है, बोले हाँ, इसलिए जोग माया के जब स्फूर्ण कराया, इतने में जगन्नाथ जी क्या किया, अपना शरीर से जितने बछड़े जितने सखाए, इनकी कलर जैसे, इनकी लकुटी जैसे, इनकी बोली जैसे, इनकी चाल जैसे, कृष्ण स्वयं वैसे प्रकट हुए और कृष्ण खुद को साथ में कृष्ण, इसे इनका एक नाम है आत्माराम। आत्माराम मतलब क्या है, जो अपना आत्मा को साथ में जो रमण करता है, अपनी अपना साथ में जो रमण करते हैं, इसलिए कृष्ण अभी स्वयं को साथ में बछड़े सखा बन करके स्वयं को साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं। और जब उन्होंने घर में वापस आया ना, लेकिन ब्रज में एक अद्भुत चीज दिखा, बोले क्या दिखा ब्रज में,
जगत में नियम होता है, जगत में नियम होता है, अपना बेटा भले ही दूसरा का बेटा जितने सुंदर क्यों नहीं हो, लेकिन माताओं को सबसे सुंदर किसका बेटा लगता है? अपना बेटा। भले दूसरा का बेटा बहुत सुंदर है, लेकिन मैया को क्या लगता है? अपना बेटे जितने सुंदर है, अपना बेटे को सामने और कोई उनके ज्यादा सुंदर नहीं लगता है। इसलिए ब्रज में, लेकिन ब्रज में उल्टा होता था। बोले ब्रज में क्या होता था? बोले ब्रज में जो ब्रज की जो मातृस्थानीय गोपियां हैं, क्योंकि अपना सबका बेटा है, रहते हुए भी ये लोग आकर कृष्ण को दर्शन करते थे। क्यों? कृष्ण कौन है? बेटे को क्यों प्रेम कर रहे हैं? चूंकि बेटे को अंदर में परमात्मा रूप में भगवान है, इसलिए बेटे को प्यार करते हैं। अगर हृदय से परमात्मा चले जाए, वो बेटे को प्यार करेंगे? फिर है तो बच्चे को प्यार नहीं करेंगे, वो बच्चे को लेकर कहीं फेंक देंगे और छूने पर फिर स्नान करेंगे। हैं? स्नान ये नियम है। लेकिन कृष्ण कौन है? बोले परमात्मा है, ये आत्मा की आत्मा, आत्मा की आत्मा कृष्ण परमात्मा। लेकिन ब्रज में सब लोग अपना बेटा रहते हुए भी ये रोज रोज जाकर के कृष्ण दर्शन करते थे, रोज रोज जाकर के। लेकिन जब से कृष्ण इनके घर में, जब से कृष्ण ये सखा बन करके आए ना, कोई भी ब्रज गोपियां कोई नहीं जाते हैं कृष्ण दर्शन करने के लिए। बोले क्यों? बोले वही परमात्मा अभी सभी के घर में बछड़े और सखा रूप में सोई, वही परमात्मा घर घर में, इसलिए कोई और दर्शन करने नहीं जाते थे। हैं? कोई नहीं जाते थे दर्शन करने के लिए। ऐसे ही जिस दिन गए थे उसी दिन बलदेव प्रभु का जन्म तिथि था, इसलिए उसी दिन बलदेव प्रभु नहीं गए। इसलिए जब कोई कृष्ण विशेष विशेष जब कोई लीला करते थे, तब उसी समय बलदेव प्रभु को साथ में नहीं लेते थे, बलदेव प्रभु नहीं गए। ऐसे करते करते एक साल बीत गया। जब एक साल बीत गई, एक दिन बलदेव प्रभु ने एक आश्चर्य घटना देखा। बोले क्या आश्चर्य घटना देखा? एक दिन बलदेव प्रभु एक पत्थर के ऊपर बैठे हुए, पत्थर के ऊपर जो बैठे हुए, क्या हुआ? जो एक साल का जो बछड़े बड़े बड़े होते होते, जब कृष्ण कृष्ण सखा बछड़े बने हुए, अभी उनको कौन चरा रहे हैं? बोले उनको जो चरा रहे हैं, हैं? कहते उनको चरा रहे थे गोपलों को चरा रहे थे उनको। अभी गैया उन्हें फिर छोटे बछड़े जन्म दे दिए। जब छोटे बछड़े जन्म दे, नियम किया है, जब देखना गैया जब दो बार बछड़े जन्म देते ना, फिर बड़े बछड़े को प्रेम नहीं करते। किसको करते हैं? नए बछड़े को प्रेम करते। ये नियम है, ये नियम है, नए बछड़े को प्रेम करते, ये नियम है। लेकिन क्या हुआ, नीचे सखा लोग, कृष्णा और उनके सखा लोग क्या कर रहे थे? वो बछड़े को चरा रहे थे, हैं? वो बछड़े को चरा रहे थे। इतने में ऊपर में जो गैया चल रही थी, ऊपर में गैया चल रही थी और उनको साथ में छोटे छोटे बछड़े थे। लेकिन जब गैयाओं ने छोटे छोटे बछड़े हैं उनको साथ में, लेकिन जब उनने दूर से उन्होंने देखा बड़े बड़े बछड़ों को, पहाड़ का ऊपर से उनने छोटे छोटे बछड़े को छोड़ दिया। और इतने में जो गोप लोग थे ना, बड़ा क्रोध आया। बोले ये बच्चे लोग बड़े दुष्ट है, ये कहाँ से ले आए बड़े बड़े बछड़ों को और सारे दूध पी लिया। आज सारे घर में कोई किसी घर में दूध नहीं होगा। बोले अभी जाकर बच्चों को पिटाई करेंगे। लेकिन उनको जो पिताजी आए ना मारने के लिए बच्चों को, लेकिन यहाँ आते ही ये बच्चों को देखकर सब भूल गए। मारेंगे क्या, सब बच्चों को गोद में भर करके और ऐसे चुपका करके गोद में भर करके, ऐसे लग रहा था ये बच्चों को जैसे निगल जाएंगे, खा जाएंगे, इतने प्यार कर रहे थे। और बलदेव प्रभु बैठ करके देख रहे थे। बोले ये क्या हो रहा है, ये तो अद्भुत घटना है। नियम होता है कि आप नए बच्चों को प्रेम करते हैं, पुराना बच्चे को छोड़ देते हैं। यहाँ पर तो छोटे बच्चे को छोड़ करके पुराना बच्चों को प्रेम कर रहे हैं। और ये गोप लोग क्रोध में आए और यहाँ आते ही सारे भूल गए, अब बच्चों को गोद में लेकर छोड़ना नहीं चाह रहे, ये क्या चीज है। बलदेव प्रभु स्वयं कृष्ण अभिन्न है, बलदेव प्रभु सोच रहे हैं, बोले ये किसकी माया, ये क्या महामाया? बोले नहीं, महामाया मेरे को मुग्ध नहीं कर सकती है। बोले ये क्या जोग माया? बोले नहीं, जोग माया भी मेरे को मुग्ध नहीं कर सकते। फिर माया किसकी है जो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं,
बलदेव प्रभु मूल संकर्षण है, कहते मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ ये क्या चीज है। इतने में जगन्नाथ जी को तरफ में देखे, बोले जगन्नाथ जी क्या है। हाँ बलदेव प्रभु जगन्नाथ जी को देखे, बोले जगन्नाथ जी ये क्या चक्कर है, ये क्या हो रहा है। इतने में जगन्नाथ जी बोले दाऊ भैया रोटी बेलते बेलते एक साल हो गया, मतलब है ये लीला करते 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 एक साल हो गया, एक साल से ही ये लीला चल रही है। बोले बताओ इसे वो बछड़े सका कौन है, बोले ये और कोई नहीं मैं हूँ। बलदेव प्रभु ने देखा है, बलदेव प्रभु ने कहा बोले कन्हैया तुम ब्रज में इतने हर ब्रज गोपियों को घर घर में जाकर के मक्खन खाते हो, दूध पीते, तब भी तुम्हारी पेट नहीं भरा, फिर बछड़े बन करके सारे गैया का दूध पी रहे हो, फिर सखा बन करके हर माताएं, कौन माताएं जो वृद्धा माताएं हैं इनकी स्तनपान कर रहे हो। इतने में बलदेव प्रभु ने कहा बोले जगन्नाथ कृष्णा ये बताओ हमारे असली जो सखाएं हैं, असली जो हमारे बछड़ा जो श्रीदाम मधुमंगल ये सब कहाँ हैं, और असली जो हमारे बछड़े सब कहाँ हैं। बल्कि सबके सब ब्रज का जो चिन्मय धाम है, जो दिव्य चिन्मय धाम भूमि में वहीं पर अंतर ध्यान हुए हैं, और ब्रह्मा जी ने बछड़े सखाओं को चोरी किया, वो असली बछड़े सखा नहीं थे, वो नकली थे, क्यों ब्रह्मा थोड़ी उनको चोरी कर सकते हैं, कृष्ण का सख्या तो गायब भी है, और जो कृष्ण जो बछड़े हैं कहते कोई ब्रह्मा की बछड़े कौन है, कहते कोई नारद है, कोई वेद का मंत्र है, कोई गरुड़ है, कहते ये सबके सब बछड़े बन करके आए, गैया बन करके आई, ये वेद का मंत्र सब बन करके आई, साधारण नहीं कृष्ण, थोड़ी साधारण बछड़े गैया को चोरी करेंगी। फिर इतने में बलदेव प्रभु बड़े दुखी हो गए, बोले हमारे असली सखा जो मेरे जो प्राण प्यारे श्रीदाम मधुमंगल हैं, ये हमारे प्राण प्यारे सखा है, ये नहीं है। फिर तब से बलदेव प्रभु और गैया चराने के लिए उस दिन के लिए बलदेव प्रभु नहीं आए हैं, बलदेव प्रभु नहीं आए। इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, सारे बछड़ों को लेकर के सखाओं बछड़ों को लेकर गुफा में बंद कर दिया, वो माया बछड़े सखा थे उनको लेकर के उन्होंने बंद कर दिया गुफा में बंद करके जब उन्होंने गए कहां पर, ब्रह्मलोक में कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बन करके वहां पर जो दरवान थे बोले देखो मैंने देखा कुछ मेरे जैसे कुछ बहु रूपिया यहाँ पर बछड़े हैं, यहाँ पर ब्रह्मा बनकर घूम रहे हैं, कोई आए तो घुसने मत दिया करना। स्वयं ब्रह्मा बनकर कृष्ण जाकर बैठ गए, ब्रह्मा का आसन को जाकर दखल कर लिया। जब असली जब ब्रह्मा जब आए ना, जो दरवान थे डंडे लेकर के भगाए, बोले तू कहाँ से आ गया, प्रभु जी सही कह रहे थे मेरे जैसे कुछ लोग घूम रहे हैं। ब्रह्मा बोले भैया मेरे नौकर मेरे को भगा रहे हैं, क्या चक्कर है। ब्रह्मा जी को पता कुछ गड़बड़ी करके आया। इतने में ब्रह्मा जी तो डर के मारे फिर आए, गए और आए, ये मरते जगत में हो गया एक साल हो गया। एक साल बाद में जब आए ना, कृष्ण एक साल पहले जैसे लीला कर रहे थे अभी भी कृष्ण ठीक वैसे लीला कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी फिर चकराए, फिर बोले वहां से तो नहीं ले आए, बोले वहां पर सोए हुए। फिर जब उन्होंने दोनों तरफ में एक साथ में देखा तो भगवान दिखाए, देखो ये ब्रह्मा ये सब बछड़े सखा को नहीं, बोले सारे आप ब्रह्म स्तंभ सबके सब कृष्ण 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 एक नारायण के नाभि कमल से सृष्टि हुए थे, देखा अनंत नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा समझ गए ये मेरे प्रभु का प्रभु का प्रभु ये है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते ना ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विक्रम अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम है। कहते ये कृष्ण कौन है, ये अनादि उसका जो आदि है, हैं अनादि कौन है, अनादि समझो जैसे श्री कारण तो गसाई, बोले उनका आदि कौन, बोले संकर्षण, बोले उनका आदि कौन, बोले मूल संकर्षण, उनका आदि कौन, बोले ताऊ भैया, बोले इनका आदि कौन, जगन्नाथ जी। इसलिए सर्व कारण कारण का जो कारण है कौन है, श्री जगन्नाथ जी है। इसलिए भैया दिखने में लग रहे हैं ऐसे, लेकिन ये साधारण नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी बड़े सुंदर सुंदर स्तुति की, क्या उनके ऐश्वर्य का प्रकाश किया उन्होंने, कृष्ण की अद्भुत उनकी ऐश्वर्य की महिमा उन्होंने गाए, कौन है श्री कृष्ण। लेकिन कृष्ण
इनकी वंदना स्तुति से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सखा लोगों तो खिली उड़ा रही थी, चार मुहा चौ मुहा कहां से आ गया, तो अजीब सा प्राणी है, चार सा हम लोगों का तो एक एक सर, और चार सर वाले कहां से आ गए, उनको खिली उड़ा रहे थे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा ये क्या है, ये तो मैं स्तुति कर रहा हूँ, ये तो मेरे तरफ में देख नहीं रहे हैं। अरे ब्रह्मा जी बोले बोले अहोति धन्या ब्रजोगरमन्या, हम तो ये देखो ये जो ब्रजवासी कितने सौभाग्यवान, कहते हम लोग भगवान को संतुष्ट करने के लिए क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, हैं? इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, जगन्नाथाय स्वाहा, नारायण स्वाहा 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 स्वाहा, अग्नि में डालते हैं आहुति, लेकिन भगवान कभी हंसे हैं, भगवान भी प्रसन्न हुए हैं, बोले नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी कहते अहोति धन्या ब्रज को रमन्या, ये जो ब्रज के जो रमन्या मतलब ब्रज की जो गोपियां हैं, जो मातृस्थानी गोपियां, कृष्ण क्या करते हैं, अभी कृष्ण घर में सखा सखा बनकर के आ गए, इनकी बच्चे बनकर के आए, अब देखना जो बच्चे जब माँ की स्तन पान करते हैं ना, जब भूख लगा, जब बच्चा माँ की स्तन पान करते कितने खुश होकर के, कितने प्रसन्न होकर के स्तन पान करते हैं। एक बछड़े को देखा जब स्तन पान करता है ऐसे ऐसे सर करके, और आप उनको गले से रस्सी खोल नहीं सकते हो, हैं? इतने प्रसन्न होकर के बोले कृष्ण बछड़े सखा बन गए। और ये गैया कभी गैया क्या सौभाग्य किए हैं, जब बछड़ा स्तन पान करता कितना खुश होकर के, हैं? कहते वेद मंत्र के द्वारा हम भगवान को जैसे प्रसन्न नहीं कर पाते हैं, कहते ये ब्रज के माताएं और ब्रज के ये कैया लोग क्या तपस्या की है, कृष्ण जिनकी सखा और बछड़े बन करके स्तन पान किया है। और दूसरे श्लोक में जो बोले बोले अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गो ब्रज कसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। कृष्ण कौन है, ये पूर्ण है, ओम पूर्ण मदः पूर्ण मिदम पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्ण मेवावशति, ये पूर्ण है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये स्वयं भगवान ब्रह्म ये है। फिर ये कौन बोले सनातन, हाँ जीवभूत सनातन, जिसकी पहले कोई नहीं थे, जिसका नहीं नहीं बाद में जिसका कोई रहेगा, इसलिए ये कौन है असमर्थ तत्व न तत् समस्याभ्य अधिकस्य दृश्यते, जिनकी बड़े की बात छोड़ दो, जिनकी बराबर भी जगत में कोई नहीं, अद्वैत ज्ञान पर तत्व भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। जब इतना बोले ना ये, लेकिन होते हुए भी ये ब्रजवासियों ने इसे क्या पुण्य किया, सखाओं का सखा बन गए, माताओं के बच्चे बन गए, गोपियों की प्रियतम बन गए, जब इतना बोले ना ब्रजवासियों की महिमा बोले, पास कृष्ण थोड़े से मुस्कुरा दिए। कृष्ण शिक्षा देते हैं, मेरी सेवा करने से मेरे स्तुति करने से मैं जितने खुश होता हूँ, अगर मेरे भक्तों का कोई सेवा करे उनकी कोई स्तुति करे तो मैं ज्यादा खुश होता हूँ। इतने में ब्रह्मा जी भगवान को उन्होंने तीन बार उन्होंने परिक्रमा किया, नियम होता है चार बार परिक्रमा करना, लेकिन उन्होंने तीन बार किया, बोले तीन बार किया क्यों किया, बोले इसलिए किए बोले भगवान की मैंने क्या कर रहा हूँ भगवान की, बोले जब से आया भगवान भोजन कर रहे थे ना बैठ करके, देखना भोजन कितना बड़ा आनंद का चीज होता है, दिन भर तरह तरह का खाना पीना जब बैठ कर भोजन करके कितना आनंद मिलता है। अगर कोई भोजन में कोई बोलते ना, अगर कोई खा रहे प्रसाद पा रहे, बोले भैया बीच में कोई बात बाधा मत दो, क्यों भोजन एक रस है, चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद चर वचुष्य लज्ज पेय, जब हम प्रसाद पाते दिव्य का आनंद है, और वो बीच में कृष्ण बैठते समय कृष्ण को छोड़ करके जाना पड़ा बछड़े सखा को ढूंढने के लिए, बोले इसलिए मैं भगवान के भोजन में मैंने बाधा दिया, और तब से भगवान क्या कर रहे हैं, हाथ में चावल दही चावल आचार लेकर के ना भगवान घूम रहे, तभी से भगवान घूम रहे, इसलिए मैं जब तक यहाँ पर रहूंगा तब तक प्रभु की लीला में बाधा होगा, इसलिए चार बार परिक्रमा नहीं कर जल्दी जल्दी तीन बार परिक्रमा करके ब्रह्मा जी भाग गए। बोले प्रभु जानंतु एव जानंतु, अगर कोई कहता है अरे वही कन्हैया आए ना जो गैया चराने वाले हैं ब्रज गोपियों के घर घर में मक्खन चोरी कर, वही है ना ब्रह्मा जी कहते, अगर कोई कहता है मैं उसको जानता हूँ, उसको जानने दो, मैं पितामह ब्रह्मा हैं
जो सृष्टि करने वाले चतुस्सर वाले चार सर वाले में ब्रह्मा कहता हूँ, पृथ्वी का धूल कण को कोई गिन सकते हैं, बारिश का बूंद को कोई गिन सकते, लेकिन भगवान कृष्ण की महिमा कोई नहीं जान सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ये बात किसको कह रहे हैं? ब्रह्मा जी इंद्र को कह रहे हैं। बोले भैया मैं भी बड़ा नाक रगड़ा। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले वो गोपाल है, गैया को पालन करने वाले, चलो हैं, चलो जो सुरभि गाभी के अनुगत में जो सुरभि गाभी है वही मूल गाभी है और उनकी ही वंशधारी इस जगत में जो गैया है, मेन सुरभि गाभी हैं, इसलिए उनकी अनुगत में जाएंगे तो गोपाल है, वो ब्राह्मण हिताच है, वो ब्राह्मण की सेवा करने वाले ये माँ है, अगर इनको सामने लेकर के जाओगे हो सकता है भगवान खुश हो जाएंगे, माँ को थोड़ी कोई क्रोध करेगा, माँ को देख करके सामने रख लोगे पीछे पीछे चले जाओगे। अब देखना घर में जब कोई बच्चा कोई दुष्टा में बदमाश कर लेता है वो क्या करता है? जानते पिताजी को बस पिटाई करेंगे, फिर क्या करता है? मैया को पीछे छुप जाता है और मैया को सामने रख करके फिर उसको पीछे पीछे बचा जाता है। अगर घुसा पहले किसको देखेंगे? माँ को देखेंगे, माँ को देखेंगे तो क्या होगा? पिता कभी कभी खुश हो जाए तो उसको पीछे बच्चा खड़ा है, इसलिए वो गाभी को पीछे जाएंगे तो खुश। इसलिए ठीक कृष्णा जब सबको साथ में नहीं, कृष्णा जब अलग बैठे हुए थे तब ब्रह्मा तब उन्होंने इंद्र उनको पास में तभी आए, इंद्र आकर एकांत में वहां पर और कोई नहीं थे क्योंकि ब्रजवासी उनको अपना मानते ना, लाला मानते हैं, इसलिए वहां पर आकर उन्होंने कृष्ण के चरण में माफी मांगी। फिर भगवान ब्रह्मा की इंद्र को बड़ा शासन की, बोले इंद्र तेरे अंदर में अभिमान आ गया था, तेरे अभिमान को मैंने चकना चुरू करने के लिए जैसे अम अनुग्रहनाम सनई जिसको मैं कृपा करता हूँ सारे अभिमान मान इज्जत सब उसका नष्ट कर देता हूँ, सब कुछ छीन लेता हूँ, खबरदार कभी ऐसे अभिमान नहीं करना। बोले प्रभु अपराध हो गया माफ कर दो। इसलिए भगवान उसको माफ कर दिए और उसको नाम इंद्र ने भगवान का एक नया नाम रख दिया, गोविंद नाम दिया। बोले श्री गोविंद भगवान की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। छोटा सा काल राधा रानी को हमारे ले श्यामा प्यारे को, राधा रानी को हमारे श्यामा प्यारे को, काकी देवी, रमेश गुप्ता, श्रीमती सुरेश गुप्ता, पुत्र रमन गुप्ता, भैया तेरी तो
जब उन्होंने अंतिम में ब्रज में जब उन्होंने किसको वध किया, अंतिम उन्होंने कैसे दत्त को वध किया, जब कृष्ण दत्त को वध किया इतने में नारद जी आए, बोले प्रभु क्या कर रहे हो, ब्रज लीला में आप इतने डूब गए, भूल गए, क्यों किस लिए आए हो, अभी आपको मथुरा में जाना, कंस उद्धार करना, चारों मिष्टि को भी उद्धार करनी, फिर उसको बाद में आपको द्वारका में जाना, एक एक शादी नहीं 16108 पटनानी की शादी होगी, हैं? इसलिए प्रभु बहुत सारी लीला करना है आपको,
इसलिए प्रभु जल्दी जल्दी यहाँ से लीला खत्म करो और चलो कहाँ पर चलो, अभी चलो आपको मथुरा में चलो। प्रभु अगर आपका आदेश हो मैं प्लेटफॉर्म बना दो, बोले बना दो, बस नारद गए कहाँ पे, मथुरा में गए। और जब गुरु जब कंस ने देखा गुरु जी आए, बोले गुरु जी आए, गुरु जी आए, और गुरु जी को पूजा किया, वंदना किया, आसन पे करके बैठा है। इतने में गुरु जी ने मंत्र का बढ़िया कान में मंत्र दे दिया, बोले तेरे को पता है कृष्ण बलराम कौन, बोले कौन है, बोले आकाशवाणी ने क्या बताया था, देवकी की अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा, देवता को भी झूठ नहीं बोल सकते, वो सच है। बोले फिर रात को नाक में सोरी स्थल देख रहे सोता रह गया तू, और वसुदेव ने क्या बताया था, सारे बेटे को दे देंगे ये बोला था, बोले हाँ, बोले रात रात पहुंचा दिया गोकुल में अपना बेटे को। बोले क्या वसुदेव मेरे साथ में बेईमानी किया, ये देवता का वाणी झूठ नहीं सच है, बोले और क्या, देवता कभी झूठ बोलते है, कभी सुना कभी, देवता सब सच बोलते हैं। बोले मैं आने से तलवार निकाला, बोले अभी अभी ये वसुदेव का मैं गला से सार कत्ल कर दूंगा। बोले कंस जोश में होश को मत खोया करो, हर काम को ध्यान से काम करो, जैसे तुम एक एक करके अघासुर बकासुर पुतना को मारे और कृष्ण मार डाले, अभी तेरे पास में कम नहीं, चारों मुष्टिक है, सल तो सल है, तू स्वयं तेरे आठ भाई है, तेरे पास में अभी कमी नहीं, धनुष यज्ञ कर और कृष्ण बलराम को बुला ले और यहीं पर सब मिल करके ना पीस डालेगी। बोले भैया गुरु के बगैर तो ज्ञान होता ही नहीं, सचमुच से आप तो बहुत अच्छे गुरु हैं, लेकिन गुरु तो कल्याण करके गए। नारद तो वहां से भागे और उन्होंने कंस ने अक्रूर जी को भेजा और उन्होंने अक्रूर जी को भेज करके नंदगांव में भेज करके उन्होंने कृष्ण बलराम को बुलाया। जब ब्रज गोपियों को ये बात पता चला, रात भर रोई, विधाता को निंदा करने लगी, बोले विधाता है तेरे कोई बुद्धि है ही नहीं, जैसे बच्चे लोग क्या करते हैं मिट्टी में सुंदर सुंदर घर बनाते फिर तोड़ देते हैं। अगर कृष्ण को अगर यहाँ से लेकर के जाना मथुरा, फिर तो उनको पता लग रहा था अंदर से, विशेषकर गोपियों को और मैया जसोदा को, फिर कृष्ण जा रहे तो फिर आएंगे नहीं, इसलिए नंद बाबा को उन्होंने चाहकर अक्रूर ने बोला महाराज कंस का निर्देश है, धनुष यज्ञ हो रहे हैं, तुम दोनों बच्चे कृष्ण बलराम को सखाओं को लेकर के मथुरा पधारो और धनुष यज्ञ, और वहां पर बच्चे गांव में रह रहे हैं शहर में जाएंगे और वहां पर धनुष यज्ञ करेंगे, सारा दुनिया के लोग आएंगे और आनंद लेकर चले आना। इतने में नंद बाबा ने पूरा ढिंडरा पिटवा दिया ब्रज मंडल में, लेकिन केवल गोपियों को और मैया जसोदा को रात भर नींद नहीं आई, रात भर बिलखती रही, रोती रही है, रात भर रोती रही। सवेरे होते ही मैया जसोदा कृष्ण बलराम को स्नान करा के बड़े सुंदर उन्होंने श्रृंगार की, बोले कृष्ण बलराम को उन्होंने रथ में बैठा करके पास में उन्होंने मटकी में दूध दही मक्खन रखे थे, बोले लाला भूख लगे तो खा लेना है। इसका तात्पर्य कहते बोले माँ ऐसे होती हैं, भले ही बेटा डॉक्टर क्यों नहीं बन जाए, बहुत बड़ा डॉक्टर बन के दूसरों को इलाज कराती है, लेकिन मैया को सामने बेटा बेटा ही रहता है, इसलिए बेटा अगर बाहर जा रहा है ना मैया क्या बोलेगी, ठंडा पड़ रहा है, सल फल लिया कि नहीं तुमने साथ में, ठंडा पड़ रहा है, इसलिए मैया की भावना ऐसे है, इसलिए उन्होंने रखे। और सारी गोपियां तो आकर कोई पहिया को नीचे लेट गई, कोई घोड़े की लगाम पकड़ ली, किसने हाँ चक्का को रोक दिया, किसने हाँ सामने, बोले जाओ तो हमारे ऊपर रथ को चला करके ले जाओ, कृष्ण बोले कोई चिंता मत करो मैं आज जा रहा हूँ, कल कंस को उधार करके परसों चला आऊंगा, इसलिए अभी भी ब्रज में एक गांव का नाम सी परसु है। लेकिन कृष्ण जब गए बहुत समझा कर गए, इनको तो समझा दिया लेकिन राधा रानी को कैसे समझाएंगी, थोड़ी दूर गए तो श्री राधा रानी एकदम लेट हुई है, इसलिए वो गांव का नाम बिजवारी, बिजवारी मतलब क्या, राधा रानी तब तक कांचन गौरांगी, शरीर से ऐसे ज्योति निकल रहा था जैसे बिजली जैसे चमक रही थी, वहां पर भी किसी तरह से राधा रानी को उन्होंने समझाए करके जब गए ना, गोपियां तो सोच रही थी कृष्ण वापस आ जाएंगे, लेकिन अभी तक क्या रथ दिखा, उसको बाद में धीरे धीरे रथ धीरे उजाल हो गया, फिर धूल उड़ने लगा, जब धूल भी नहीं दिखा ना, बस गोपियां तो वहीं पर
बेहस होकर के गोविंद धाम धर्माधवेती बोलते बोलते रो रो करके वहीं पर गोपियां गिर गई। लेकिन वहीं पर गिरी तो गोपियां कभी घर में वापस गई नहीं। उसके बाद उद्धव ग्यारी में उद्धव जी को साथ में फिर उनकी साक्षात्कार होती है। फिर वहां पर जा करके जब आए बीच में मथुरा और वहां पर ब्रह्म हृदय है, अक्रूर वहीं पर कृष्ण बलराम को रख करके जब स्नान करने के लिए गए, अक्रूर सोच रहा था इतने छोटे छोटे बालक कंस को मारेंगे उसे इतना बड़ा कैसे मारेंगे। लेकिन वहां पर जब ब्रह्म हृदय में गए उन्होंने कृष्ण बलराम उन्हें दिखाया। उन्हें क्या दिखा, रथ में तो बैठे हुए जब डुबकी लगाया देखा अंदर में कृष्ण बलराम, बोले ये वो तो रथ में बैठे हुए यहाँ कैसे, फिर उठे देखा नहीं कृष्ण बलराम वहां पर है। फिर जब फिर डुबकी लगाए देखा आया कैसे भगवान अनंत नाग पर सैन्य किए हुए और सारे देवता कैसे शांत आगारम भुजग सैन्य स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने दिखाया चाचा जी कोई चिंता मत करो, हम साधारण नहीं, हम वही भगवान नारायण हैं। हम तभी केवल कंस को दुष्ट को संहार करने के लिए अभी मैंने आया हूँ। इसलिए जब वापस आए कृष्ण बलराम बोले चाचा जी लगता है पानी में कुछ देखे हो, बोले जो दिखाया वही देखा है, इसलिए मेरे विश्वास हो गया कंस को तुम मार पाओगे। फिर जब आए थोड़ी दिन था उन्होंने मथुरा के बाहर में पड़ाव डाला डाल करके, इतने में कृष्ण बलराम बोले पिताजी मन में थोड़ा इच्छा हो रही है थोड़ा मथुरा घूम करके आए हैं, थोड़ा दीन है, वे नहीं ये ब्रज नहीं है ये कंस का राज्य है, इसलिए अगर मेरे पता तुम थोड़ा नटखट करने वाले उल्टा पुल्टा करोगे ना सीधा जेल में बंद कर दे कंस बाबा, इसलिए कल मैं जब चलूंगा मेरे साथ में चलियो। अभी कृष्ण बलराम सोच रही बड़े बूढ़ों को साथ में जाने का थोड़ी आनंद है, हर बात बात में टोकेगी लेकिन आनंद कब आएगा जो बराबर बच्चे को साथ में छाती खोल करके हैं अपना मस्ती लेकर के हंसते खेलते जाओ, कोई रोकने टोकने तभी अपना यार दोस्तों के साथ में बराबर बच्चों के साथ में जाओ तभी तो आनंद आता है ना, बड़ों बूढ़ों को साथ में जाओ कुछ है क्या कर रहे हो चुपचाप चलो आनंद तभी थोड़ी आएगा। अभी सोच रहे हैं ये क्या, इतने में कृष्ण बलराम बोले पिताजी हम कुछ नहीं करेंगे सीधा जाएंगे सीधा आएंगे। तब बोले मैं तेरे ऊपर तो विश्वास मेरा ही नहीं, तू बड़ा चंचल हो, दाऊ थोड़ा समझदार, बोले दाऊ जाओ इधर उधर करना नहीं सीधा जाना सीधा ना, बोले सीधा जाएंगे और सीधा आएंगे हैं। पास उन्होंने जब गए मथुरापुरी में क्या भरना कर, मथुरा कौन है भगवान की दासी, मथुरा देवी भगवान की पटरानी है, लेकिन कंस के अत्याचार से बड़ी दुखी हुई थी हैं, बड़ी दुखी हुई थी इसलिए। लेकिन जब कृष्ण आए जैसे पति आने पर पत्नी क्या करती है बड़ी सुंदर श्रृंगार करके पति को सामने जाती है, जब कृष्ण बलराम आए देखा मेरे प्रियतम आ गए, हे वर्णना करते क्या मथुरा देवी की शोभा, वो स्वयं भगवान की पटरानी है, इसलिए उन्होंने बड़ी सोलह श्रृंगार से सज गई, क्या प्यार चलने का जरूरत नहीं प्यार रखो अपने आप चल पड़ोगे। और बड़ी बड़ी अटालिका है वहां पर लाइट नहीं मणि रखा हुआ, मणि से अपने आप ज्योति निकल रहा था हैं, सुंदर सुंदर तोरण बने हुए गमला लगे हुए और जिस गली में और सारे मथुरावासी तरस रहे थे। जब सुना कृष्ण पुतना को अगासुर को बकासुर जब तक गिरिराज को धारण किया, अरे बाबा सात साल का बच्चे सात क्रोश गिरिराज, लेकिन सभी के मन में तो इच्छा देखने का लेकिन डर हमारे कंस से कोई नहीं जा पाए। जब पता चला कृष्ण बलराम स्वयं आए सारे मथुरा उमड़ पड़ा, जिस गली में जाए फूलों की बौछार, बोले कृष्ण बलराम की ए, क्या कहियो है आवाज नहीं है जोर से बोलो, बोले श्री कृष्ण बलराम की जिस गली में जाओ जय जयकार, बोलिए क्या बात है सखान का कन्या क्या बात क्या है, जिस गली में जाओ कृष्ण बलराम क्या तेरे को पहले जानते हैं, बोले तुमको पता नहीं ये जो मामा है ना मेरा खास मामा लगता है, तभी तो सोने का रथ भेज करके मेरे को बुलाया ना, बोले तो बोले तू पहले क्यों नहीं बोल दिया यहीं पर बोल रहे हो, बोले क्यों, बोले देख ये मथुरापुरी ये भगवान ये क्या है हम तो स्वप्न लग रहा है जैसे कहाँ पर आ गए, अब तू पहले बोलता ना थोड़ा चमकले चमकले वस्त्र पहन कर आते देख ये सब कपड़े फपड़े सब महिला आनंद ले आ रहे, बोले आगे चलो। फिर देखा धोबी कंस के लिए एकदम नए नए सोने के जरी में मखमल बल कपड़े के ऊपर में सोने की चरी में एम्ब्रॉयडरी काम बड़ा सुंदर कंस के लिए नए नए वस्त्र ले जा रहे थे। इतने में कृष्ण बलराम बोले भैया हमारे सखाओं को थोड़ा पहना दोगे, बोले वृंदावन से गैया को पीछे पीछे डोलने वाले
है महाराज कंस के वस्त्र, उसको पहनने का शौक हो रहा है। ज्यादा बोलो मत, अगर बोलोगे ना कंस मामा जिस काम के लिए बुलाए ना हम भी कर देंगे, फूलों की माला की व्यवस्था हो जाए ना अच्छा होगा। आगे चलो, सुदामा माली को उन्होंने कृपा किया, उन्होंने सुदामा माली से उन्होंने माला लिया, भगवान आशीर्वाद दिया और बोले कन्या एक चीज की कसर रह गई। बोले क्या? सुंदर तिलक हो जाएगा तो चला गया। देखना ब्रजवासी लोग तिलक, क्योंकि तिलक के बगैर शोभा नहीं देता है, तिलक लगानी चाहिए। तिलक के बगैर कपाल को बताया इस मनसान ही। आगे उन्होंने कुब्जा को देखा, ये जो कुबड़ी भगवान की भू शक्ति है, लेकिन तीन जगह से कुबड़ी क्यों? बोले कंस के अत्याचार से ये भू शक्ति ये कुबड़ी बन गई थी, इसलिए भगवान श्री कुब्जा को देखे। बोले सुंदरी, ओ सुंदरी। बोले भैया अभी तक तो मेरे रूप देख कर सब भाग जाते थे, दुनिया में कौन है जो कहता सुंदरी सुंदरी। उन्हें घूम करके देखा कृष्ण बलराम को, देख करके ना दोनों भैया को, एक श्याम रंग गौर रंग पीताम्बर और नीलाम्बर पहने हुए, क्या सुंदरी जोड़ी देख करके। बोले थोड़ी सी हमारी सखा, हमें थोड़ा चंदन लगा दो। बोले प्रभु आपको नहीं लगाऊंगी तो किसको मैं लगाऊंगी, इसलिए बड़े सुंदर जगन्नाथ जी को। उन्होंने कैसे, जगन्नाथ जी सफेद है ना, उनको भर में दूसरे रंग का, जगन्नाथ जी काले हैं, उनको जो मैचिंग करेगा उसी रंग का उन्होंने सुंदर चंदन सखाओं को तिलक चंदन लगा दिया। बोले वाह आनंद आ गया सखाओं का, कन्या तो बोले लेनो लेनो ही जानता हो, देना तो तुम सीखा नहीं। बोले क्यों? बोले देख कितने सुंदर श्रृंगार किया, पुस्तक दे उसको। बोले क्या दे? बोले देखो तीन जगह से टेढ़ी। बोले मैं भी टेढ़ा, ये भी टेढ़ी, टेढ़ी टेढ़ा, तो हाँ जोड़ी तो बड़ी प्यारी है। बोले कन्या थोड़ा सही कर दे। इसलिए मैं कृष्ण ने क्या किया, एक प्यार में एक प्यार रखा, एक थोड़ी में और कमर में रख करके पूरा झटका मारे ना प्लास्टिक सर्जरी कर दिया। और वो इतने भगवान का हाथ का स्पर्श हो गया ना जगन्नाथ जी के, ऐसे सुंदरी, ऐसे सुंदरी बन गई वरना आती क्या लक्ष्मी हो सख्यात है ना, अपना रूप को देख करके ना संभाल नहीं सकी। जगन्नाथ जी का कपड़े को पकड़ लिया दुपट्टे को, जगन्नाथ जी बोले तेरे को शर्म नहीं दाऊ भैया सामने हैं, जेट लगता है ना दाऊ भैया को सामने कपड़े पकड़े खींच रहे हो, इसलिए बाद में आऊंगा, कल सब उधार करके फिर तुम्हारे पास में आऊंगा। इसलिए उन्होंने आगे गए, क्या देखा, धनुष रखा हुआ है बाबा, कि कंस को किसका बंधन, परशुराम का। जो परशुराम जितने अघासुर बकासुर है ना, एक समय कंस त्रिभुवन के ऊपर विजय प्राप्त किया था, इनको उन्होंने लड़ते लड़ते परास्त कर दिया तो ये इनके अधीन बन गए हैं ये सब। लेकिन उन्हें परशुराम को पास में पहुंचे, परशुराम ने कहा तू युद्ध क्या करेगा, धनुष उठा कर दिखाते मैंने खड़े युद्ध करोगे। सचमुच से कंस पराक्रम था, भगवान परशुराम का धनुष उठा लिया, भगवान खुश हो गए। बोले ले ये धनुष ले ले, याद रखना ये धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, जो तोड़ेगा तेरे को छोड़ नहीं सकता, ये चीज को याद रखना। इतने में धनुष यज्ञ हो रहा था, जिसको कहते 400 व्यक्ति उठा करके लेने वाले थे, विशाल धनुष वहां पर था, चारों तरफ में लोग दर्शन करने के लिए आ रहे थे और बड़े बड़े पहलवान पर पहरादारी दे रहे थे। कृष्ण बलराम वहां पर पहुंचे, इतने में कृष्ण कहते दाऊ ये धनुष को थोड़ा उठा करके देखो, वहां पर जो बड़े बड़े पहलवान बोले पागल है, छोटे छोटे बच्चे 11 साल के बच्चे और गहरे 400 व्यक्ति जिसको उठाते तो उठा कर दिखाएगा, सब हंस रहे थे। इतने में बड़े कृष्ण ने क्या किया, लगाया छलांग अंदर में और देखते देखते उन्होंने क्या किया, धनुष को पकड़ करके एक हाथ में उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए गए तो वहीं पर दो टुकड़े हो गए तो इतने जोर से आवाज आई पूरा मथुरा में, हिल डोल मिच गए मथुरा में। इतने में सब लोग जितने थे वहां पर पहरेदार सब कैसे बोले मारो मारो। कृष्ण ने कहा दाऊ हम तो वृंदावन से बंसूरी हल और केवल श्रृंगार लेकर के आए, ब्रज में यही उनका बैस है, हाथ खाली हाथ। बोले काम कर तू एक टुकड़े पकड़, मैं एक टुकड़ा पकड़ता हूँ। ऐसे ठोगाई करना सूर की, ऐसे पिटाई करना सूर की ना, वहां भगदड़ मच गया। बोले भागो यहाँ से भैया प्राण को लेकर के। कंस को जा करके बोल दिया, कंस महाराज कृष्ण ने तोड़ दिया परशुराम का धनुष। कंस को याद आया परशुराम ने कहा था इसको कोई तोड़ नहीं सकता, जो तोड़ेगा तेरे को छोड़ नहीं सकता। उसको याद आया नारद जी को गाली देने लग गई, ये नारद जी दुष्ट बदमाश, ये साधु कहते कृष्ण बलराम को बुला करके इसको मारो यहीं पर,
कहा मैंने जानबूझकर सांप को मैंने अपना गला में लगा दिया, क्यों उसको मैंने बुलाया। कंस को रात भर नींद नहीं आई और सोया है ना, क्या सपना देखा, गधे को पीठ पर बैठ करके दक्षिण दिशा में जा रहे, मतलब नरक जा रहा है, और देखा सारा शरीर में तेल, इसे मृत्यु का चिन्ह है, सारा शरीर में तेल लगा हुआ है, इसे मृत्यु का चिन्ह है, और जब शीशा देखता है ना उसका शरीर नहीं दिखता है शीशा में, और जब चलता है छाया नहीं दिखती है, छाया में छिद्र दिखता है। उन्होंने जो अद्भुत अद्भुत रात भर उसने उल्टा पुलटा मृत्यु का जो चिन्ह वही देखा, और उन्होंने आदेश दिया कल रंगशाला में कृष्ण बलराम के साथ में मल्ल युद्ध होएगा, चारों मुष्टिक साल तोसल के साथ में वहां पर मेरी आसन बनाया जाए, और इतना उच्च आसन बनाओ जैसे कृष्ण बलराम नहीं आ पाए हैं। और कृष्ण बलराम दूसरे दिन आए, उन्होंने जानते हैं हम युद्ध करते करते जाएंगे, इतने में बोले नंद बाबा आप चले जाओ हम बाद में जाएंगे। और कृष्ण बलराम अपना ग्वाल बालों के साथ में जब आए, दूसरे दिन जब आए कहां पर, जहां पर होली गेट, वहीं पर उन्होंने को बोले हाथी को खड़े कर दिया था शराब मिला करके, बोले यहीं पर दोनों को पछाड़ देंगे, विशाल हाथी था को बोले हाथी। उन्होंने आए तो कृष्ण बलराम ने महंत जो था कृष्ण बलराम के ऊपर उनको चिढ़ा करके बोले मार डालो, इतने में कृष्ण बलराम ने पकड़ लिए दोनों दांत को, चिंता चिंता उखाड़ लिए, उखाड़ करके दांत से मार मार कर को बोले हाथी को वहीं पर खत्म कर दिए। खत्म करके जब दांत को उखाड़े ना खून खून हाँ खून निकला, वो खून से ना कृष्ण बलराम का शरीर में खून का बूंद पड़ा हुआ था। अगर किसी व्यक्ति को शरीर में खून का बूंद पड़ेगा कैसे दिखेगा, विभत्स दिखेगा ना, लेकिन कृष्ण बलराम कहते सुंदरम क्यों असुंदरम है, उनका अंदर में ये भी सुंदर दिख रहा था। करते करते जब रंगशाला में प्रवेश की, जिसकी भावना रही जैसे हरि मूरत देखी तिनी सही थे मल्हा नाम असन निराम स्त्री नाम स्मर मूर्तिमान। इसलिए एक साथ में भगवान के शरीर में द्वादश रस प्रकट हुआ, स्त्रियां देख रही थी कंदर्व जैसे, माताएं देख रही थी इसका दूध दांत ही नहीं टूटा, जो भी लग रहे थे यही परतत्व है, कंस देख रहा था ये काल, और चारों मुष्टि को देख रहे थे वज्र जैसे हैं। इसलिए एक साथ में द्वादश रस प्रकट हुआ, वहीं पर कृष्ण बलराम को बोले ये चारों मुष्टि को साथ में युद्ध करना पड़ेगा। कृष्ण बलराम बोले क्या नियम ये होता है, बराबर साथ में युद्ध होता है, हम इतने छोटे नन्हे मुन्ने दूध का दांत भी नहीं टूटे, और चारों मुष्टि पहाड़ जैसे लंबे चौड़े शरीर बना करके बुरा क्या उनकी चेहरा किया। इतने में कंस ने कहा बोले बच्चे देखते देखते तुमने कुबले हाथी को अभी मार डाला, धनुष को तोड़ दिया, अगास रूप अगास रूप पछाड़ दिया, बोले बलिनाम बली तुम हो हैं, तुम बालक कह रहे हो। कृष्ण बलराम ने जब जोर जबरदस्ती किया, बोले भैया अगर जोर जबरदस्ती करोगे फिर तो अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करे, बोले ठीक है, छलांग लगा दी कहां एकदम रणभूमि मैदान में है, वहां पर जो महफिल बना हुआ था फील्ड में कूद पड़े चारणों के साथ में, कृष्ण मुष्टि को साथ में बलदेव प्रभु दोनों भिड़ गए, क्या युद्ध कर रहे थे, बराबर छाती में छाती बाहु में बाहु जंघा में जंघा युद्ध ऐसे कर रहे थे ना, बराबर जैसे युद्ध कर रहे थे। ऐ करते 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 जैसे धोबी पछाड़ धोबी पछाड़ जानते हो, जैसे धोबी कपड़े को ऐसे लग रहे ना थे ना, ऐसे करके मारता है। ऐ कृष्ण पकड़े चारणों को ऐसे पकड़ कर जैसे धोबी पछाड़ मारते हैं, मारे एक पछाड़ है वही पर चकनाचूर कर दी। दाऊ भैया बोले तेरा नाम क्या, बोले मुष्टिक। बलदेव प्रभु उठाया अपना मुष्टिक, एक मुष्टिक का घात मारे वही पर उनको छक्का छुड़ा दिए। बोले कंस ने बोले ये क्या, इतने बड़े बड़े पहलवान को देखते देखते खत्म, इतने में साल तो समय कूद पड़े देखते देखते उनको भी खत्म कर दिए। और जो छोटे मोटे थे ना, बोले भैया जब हमारा खलीफा जो मेन थे उनका जब ये अवस्था हम क्या करेंगे, बोले भागो भैया यहाँ से, कहीं चौकीदार करके पेट पाल लेंगे, भागो। सब भाग गए। इतने में कंस वहीं पर बैठ बैठ कर बोल रहा था ये कृष्ण बलराम को बंदी बनाओ इनको, और नंद बाबा को मार डालो, देव के वसुदेव को मार डालो। बोले मामा जी बड़े ऊंचे आसन पर बैठ बैठ करके हाथ हिला हिला करके बात कर रहे हो। कृष्ण एक छलांग लगाए और उन्होंने ऊंचा आसन बनाया था जैसे कृष्ण नहीं आ पाए, एक छलांग लगाए ना सीधा कंस के पास में। बोले तो बहुत नीचे थे ना कृष्ण,
एक छलांग में वहां चले, बोले ये क्या यहाँ कैसे आ गए? बोले मामा जी याद है मैया की चोटी पकड़ा था, पकड़ लिया कल से की चोटी पकड़ करके उनने झांक झोर करके एक झटका मारे इतना उच्च आसन से नीचे गिरा दिया। नीचे गिरती गिरती कंस खत्म, और कृष्ण उसको छाती के ऊपर में, उसका दो पत्नी अस्थि और प्राप्ति थे, दोनों आकर रोने लगे। कृष्ण भी थोड़े रोए, बोले मामी मामी हम तो मामा से मिलने के लिए ऊपर गए थे, लेकिन हमें क्या पता मामा हमारे साथ में मिलने के लिए इतने जल्दीबाजी करके मामा जी का प्यार फिसल गया। अच्छा हुआ हम ऊपर और मामा नीचे आ गए, तो हमारे भी राम नाम सत्य हो जाता। कृष्ण बलराम थोड़े रोए और उन्होंने लेकर के वहां कर कंस हार अभी भी है उधर से लेकर के कंस को ध्रुव घाट में स्नान कराया, विश्राम घाट में स्नान करके वहीं पर उन्होंने अपना विश्राम किया था, उसका नाम विश्राम बाग समटिला पड़ गया। अभी जब अस्थि प्राप्ति ने जरासंध को भड़काया पिताजी को, ऐसे ऐसे तुम्हारे दामाद को मार डाले बिना कारण के, कारण ये कृष्ण बलराम मार डाले, उसने शस्त्र बार आक्रमण किया, उनको पकड़ पकड़ करके जितने दुष्टों को लाते थे पकड़ पकड़ करके वहीं पर हैं बलदेव प्रभु पकड़ के हाल से खेच करके लाते थे। जगन्नाथ बोलते थे मत मारो, क्यों ये दुष्ट पकड़ पकड़ करके लाएगा दुष्टों को, हम बैठ बैठ करके मारेंगे। यहीं पर उन्होंने 70 बार उन्होंने मारे, 18 बार में भगवान रण छोड़ कर चले गए, इसलिए ठाकुर का एक नाम पड़ गया रण छोड़ भगवान पड़ गया। फिर उन्होंने वहां से एक साथ में काल जब ने आक्रमण किया दोनों तरफ से, उन्होंने विश्वकर्मा को बुला करके समुद्र के बीच में द्वारकापुरी उन्होंने बनाए, और जोग माया गोल सबके सब वहां पर पहुंचा। तो सबरे उठे तो भैया कहाँ पर है, हम तो मथुरा में सो रहे थे, यहाँ पर कैसे आ गए? इसलिए बोले द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, इसलिए उनका नाम पड़ गया द्वारका नाम पड़ गया। अभी कृष्णा सोच रहे उम्र हो गया शादी करने का, लेकिन मेरा तो शादी एक दो नहीं होगा, नंबर लग गया तो 116,108 रानियों से, लेकिन पहले दाऊ भैया का तो हो जाए फिर नंबर लगेगी। इसलिए कहते रेवत नाम का राजा का रेवती नाम का बेटी थी सत्य युग में लक्ष्मी सख्या, उन्होंने कौन इसका पति बनेगा, लक्ष्मी है नारायण ही पति बन सकता। ब्रह्मा जी को पूछने के लिए गए, ब्रह्मा जी कोई काम में बिजी थे, लेकिन जब बाहर निकले बोले ऐसे ऐसे बात, तू आया था सत्य युग में लेकिन अभी मरते जगत में कितना दिन बीत गया, अभी हो गया वहां द्वापर का अंतिम समय हो गया, सख्यात भगवान हैं विष्णु स्वयं श्री बलदेव प्रभु का रूप में श्री वसुदेव का बेटा बन करके आए हैं, वो सख्यात नारायण है, तुम्हारी बेटी लक्ष्मी है, जाओ बलदेव प्रभु के साथ में शादी करो। और बलदेव प्रभु तो द्वापर युग के, और वो तो थी रेवती सत्य युग के, वो ताल पेड़ जैसे बलदेव प्रभु तो घुटन तक यहाँ तक शादी वो हुई। सखाओ ने कहा भैया बड़े भाग्य से बड़ी बहू मिलती है, लंबी बहू मिलती है। बलदेव प्रभु देखा शादी नहीं हुआ तो हमें तो हंसी दिल लगी। बलदेव प्रभु लिया अपना हाल को और रेवती के कंधे में लगाया, और ऐसे खेचते 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 जब उन्होंने एकदम आ गए ना कंधे तक, बोले जोड़ी अच्छी बनी गई, फिर उन्हें रोक दिया, फिर तो बड़े सुंदर हो गया। बोले रेवती रमन भगवान की जय। फिर भगवान ने जगन्नाथ जी का शादी हुई, या किसको साथ में शादी हुई, रुक्मिणी को साथ में शादी हुई है। फिर उनको मेन विशेष करके रुक्मिणी सत्यभामा कालिंदी मित्रविंदा लक्ष्मणा ऐसे करके उन्होंने 8 उनके मेन पात्रणी बनी। फिर नरकासुर ने 16,100 उन्होंने जो राजकुमारी को उन्होंने इकट्ठे करके बोले जो 16,108 हो जाएगा ना मैं विराज करूंगा, कृष्ण ने राज किया था ना इसलिए मैं भगवान वहां पर भी गए, उनको बंदीशाला से उनको वहां से निकाले, निकाल करके भगवान उनको बोले तुम लोगों को घर में पहुंचा देता हूँ। बोले प्रभु हमें कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, ये दुष्ट हमें जोर जबरदस्ती पकड़ करके ले आया था है, हमें कोई पिता माता भाई कोई स्वीकार करेंगे, कोई अगर दुष्ट हमारे घर से किसी बेटी को पकड़ कर ले जाए कोई थोड़ी स्वीकार करेंगे, इसलिए प्रभु आपका घर में हमें रख लो, आप कृपा करके आपका घर में हम झाड़ू बुहारी लगा देंगे, हम अपना चरण में स्थान दो। बोले कोई बात नहीं, दासी रूप में नहीं मैं अपना पटराणी रूप में स्वीकार करता हूँ। इसलिए भगवान उनके लिए 16,108 उन्होंने बनाया राजभवन, भगवान सभी को साथ में भगवान ने आनंद पूर्वक शादी किए, सबसे उन्होंने 10-10 बेटे एक एक बेटी भगवान की हुई। और एक समय भगवान सोच रहे थे अभी सारे लीला हो गया, ब्रह्मा जी आए बोले हे प्रभु आप जिस काम के लिए आए तो काम पूरी हो गया है, अगर आप जाना चाहते हो आप अपना धाम में जा सकते हो। ब्रह्मा जी जब ये बात को बोले इतने में एक समय
हैं। एक समय ऋषि मुनि लोग भगवान कृष्ण के पास में आए, बोले प्रभु क्या सेवा करेंगे, बोले तुम इस इधर से निकल जाओ। जब उधर से निकल गए, कृष्ण के बच्चे लोग खेल रहे थे सांबो को, बड़ा सुंदर था कि लड़की बना करके बहू, पेट में कपड़ा को रख दिया, बड़ा कर दिया, और वो खेल रहे थे ऋषि मुनियों को दूर से देख करके उसको बहू बना करके ना घूंघट उतार करके। बोले वहाँ पर दुर्वासा जी थे, शंकर जी का बता, दुर्वासा क्या करने वाले, शंकर जी संहार करने वाले। बोले बाबा बताओ तो ये बहू को जो पेट में ये नई बहू है गर्भ ही है, बताओ तो लाला होगा क्या ना लाली होगा। वो तो ऋषि साधारण थे नहीं, वो संहार करता है, वो जान गए प्रभु की इच्छा यही है। बोले लाला नहीं लाली नहीं, मुसल मुसल, और इसी मुसल से तुम्हारी वंश ध्वंस बनेगा करेगा। संतों से खिली उड़ा रहे हो, वो डर गए और वो उसको लेकर एकांत में गए और वो कपड़े खोल कर देखा ना सचमुच से मुसल। फिर उन्होंने कृष्ण के पास में गई नहीं डर के मारे, उग्रसेन के पास में गए, बोले न रहेगा बांस न बजरी बांसुरी, एक काम करो उसको समुद्र के बीच में लेकर घिसो, रहेगा तभी तो मरेगा ना, घिसो, घिस घिस करके पाउडर बना दो, हैं घिस घिस कर पाउडर बना दिया। लेकिन जो हाथ में जो पकड़ में जो नहीं आया ना छोटा सा, उसको फेंक दिया और जो पाउडर बन गया वो आकर के एरक नाम के एक पेड़ बन गया, और जो छोटा सा जो फेंक दिया कि मछली निकला, और उसको एक जारा नाम का सबर ने उसको पकड़ा, पेड़ फड़ा तो उसका अंदर से निकला, उसने लगा दिया तीर में, बस काल बन गया, हाँ कि बुरा काल बन गया। एक समय कृष्ण ने बोले देखो हम सबको ऊपर में अभिशाप है, एक काम करो चलो प्रभास क्षेत्र में जाएंगे, वहां पर स्नान करके साधु संतों को दान दक्षिणा देकर पाप से मुक्त हो जाएंगे। ये सब के सब पहुंच गए प्रभास क्षेत्र में, और वहीं पर स्नान दान करके कहते एक सोम रस है, हैं एक सोम नाम का रस है, वो रस को पान किया तो कृष्ण इच्छा से सबके सब मतवाला बन गए, और मतवाला बन गए जो एरक नाम का वृक्ष था उसको उखाड़े, और उखाड़ करके एक दूसरों को मारने लग गए। कृष्ण बलराम बोलने पर भी माने नहीं, और वो लगते ही ना वहीं पर लुढ़क गए, जिसको पर लग जाए वहीं पर, करते करते सब खत्म। बलदेव प्रभु जाकर के पानी के अंदर में वहीं पर जाकर के उन्होंने अपना नित्य स्वरूप में एक आनंद देव स्वरूप में उन्होंने प्रकट होकर के नित्य धाम में चले गए। कृष्ण एक सुंदर कुंजों के अंदर में बैठे हुए थे, अपना जंघे को पर प्यार रख करके इतने में वही बहेलिया आ गया, जरा नाम का बहेलिया, दूर से देखा लगा जैसे हिरण का कोई मुंह है, उन्होंने बाण मारे तो फिर जा करके देखा वो हिरण नहीं कि ठाकुर जी का चरण है। उन्हें रोने लगे, बोले प्रभु मेरी अपराध हो गई। बोले तेरी कोई अपराध नहीं, मैं ये संसार से जाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने निमित्त बनाया तेरे लिए रथ है, तो अपना धाम में जा, मैं अपना धाम में जाऊंगा। इतने में श्री उद्धव जी आ गए, इतने उद्धव जी रोने लग गए, भगवान उद्धव जी को निमित्त बना करके उन्होंने बड़े सुंदर दिव्य, जिसको उद्धव संवाद कहते हैं, एक उद्धव संदेश और एक उद्धव संवाद, इसलिए उद्धव संवाद, जहाँ उद्धव जी को उन्होंने बड़े सुंदर न साधय ते मां सांख्यम न, बोलो धर्म उद्धव न साधय तपस्त्याग जता भक्ति अमर जिता, मैं भक्ति को द्वारा जैसे प्रसन्न होता हूँ और किसी को द्वारा नहीं। जो मानव शरीर लब्धवा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ति, ये जो मानव शरीर 84 लाख जीवन के बाद मिलता है, इसी जीवन से ही जीव को भगवत प्राप्ति हो सकता है। इसे जितने जल्दी से जल्दी हो, समय को बर्बाद नहीं करते हैं तृणम, मतलब जितने जल्दी से जल्दी हो प्रभु का भजन शुरू कर दो, भजन करते हुए भगवत धाम को प्राप्त करो। बड़ी सुंदर सुंदर उपदेश दे करके भगवान ने, बोले मैं जगत छोड़कर चले जाऊंगा, बोले प्रभु मैं किसका आश्रय ग्रहण करूंगा, बोले कलिजुग में दूसरे स्वरूप में भागवत ग्रंथ रूप में रहूंगा, इसलिए कलिजुग में जो भागवत कथा सुनेगा उसको भगवत प्राप्ति होगी, ये भागवत मेरा स्वरूप है। इतने में लास्ट में उन्होंने कलिजुग का महिमा बताए, बोले कलिजुग में यद्यपि कलेर दोषे निधे राजन अस्ति एक महान गुण, यद्यपि कलिजुग दोषों का आगार है लेकिन कलिजुग में एक महान गुण है, क्या कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्तम बधा प्रभजत, इसलिए कृष्ण वर्णम तिसाम अकृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षदई जग्यई संकीर्तन प्राय जजंति ही सुमेधा स, इसलिए कलिजुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे कि संकीर्तन रूपी धर्म के द्वारा
भगवत प्राप्ति करी, इसलिए उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर उपदेश एकादश स्कंध में जानने में नव जोगेंद्र का और जहाँ पर प्रलय का वर्णन आती है, हैं? इसलिए अभी श्री सुखदेव गोस्वामी परिकृत महाराज को कथा सुना रहे थे। अभी जब कथा उन्होंने समाप्त कर दिया, इतने में बोले परिकृत, इतने में श्री सुखदेव गोस्वामी परिकृत महाराज को आरती उतारे, आरती उतार कर जब चले गए, इतने में श्री परिकृत महाराज सोच रहे थे मैं बैठ करके अभी तक जो कथा सुना मैं थोड़ा उसको स्मरण करूं। इतने में उनको माँ उतरा ने कहा, बेटा मेरे पल्ले में तो कुछ पढ़ाई नहीं किया, बोले मेरे लायक थोड़ी सी तो कथा सुना दी। फिर उन्होंने थोड़ी सी समय में उन्होंने श्री बृहत भागवत अमृत कथा सुनाए, जिसमें 5 तरह का भक्त है, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेमापर और प्रेमातुर भक्त है। 5 तरह का भक्त का कथा सुनाए, जिसमें लास्ट में श्री उद्धव जी प्रेमापर भक्त हैं। लेकिन वही उद्धव जी हैं, जब उन्होंने ब्रज में आए, जब ब्रजवासियों की, ब्रज गोपियों की, राधा रानी के प्रेम को देखा, उन्होंने राधा रानी के चरण की एक धूल को वंदना किया, ये जीवन तभी धन्य बनेगा अगर इसी जीवन में ये गोपियां जैसे भगवान की भक्ति की। परिकृत महाराज कह रहे हैं, माँ ये गोपियां जैसे भक्ति की ना कृष्ण की, ऐसे गोपी भाव से तुम कृष्ण को सेवा करो, भक्ति करो, यही जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है। हर कलयुग में वो मिलेगा कैसे, बोले हरि भगवान की कलयुग के बोले नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतरे, बना भगवान का नाम का आश्रय ग्रहण करो, प्रभु का नाम से ही जीव का कल्याण होने वाले, केवल प्रभु का नाम से ही। इसलिए उन्होंने अंतिम समय दिया, इतने में श्री परिकृत महाराज ने बैठ करके जब बैठे हुए थे, इतने में कहते तक्षक नाग आया, लेकिन तक्षक आने से पहले परिकृत महाराज ऑलरेडी सब पहले ही प्रभु का धाम को चले गए थे, केवल खाली शरीर था, उन्होंने उनका दंशन किया, उनको बेटा जन्म जय नहीं, बोले सर्प का ध्वंस कर दूंगा, उन्होंने सर्प यज्ञ प्रारंभ किया है। इतने में ब्रह्मा जी आकर के उनको समझाए, बोले बेटा जिसका समय आएगा उसको जाना ही पड़ेगा, इसलिए करके कोई लाभ नहीं, उनको समझाया। इसलिए ऐसे ही ये भागवत कथा समाप्त होता है। इसलिए कहती जो भागवत कथा है, कहते हमारी एक सीमा दीदी है, कहते गड़ी में एक सीमा दीदी है, कहते उनका एक भाई है, कहते भाई यहाँ पर बैठे है श्री महेश कुमार जी हैं, इसलिए इन्होंने शरीर छोड़े थे, इनकी आत्मा को शांति मिले, आत्मा को कल्याण हो, और इनकी जो पिता माता है सुरेश चंद्र और श्री राज बाला देवी हैं, इनके पिता माता है, और यहाँ पर श्री क्या गुप्ता, कौन सा गुप्ता है, इसलिए श्रीमती शुक्ला जी गुप्ता है, कहते इन्होंने एक गैया दान दिया हमारे मठ में, इसलिए इनका आत्मा को शांति मिले, इनके कल्याण हो, और कल इनका नाम पर हम भगवान की प्रसाद भी हम भोग लगाएंगे इनका आत्मा को शांति के लिए। और ऑस्ट्रेलिया में हमारे श्री राधेश्याम प्रभु जी के एक मित्र है, उनके परिवार के कुछ लोग हैं, वो बोल रहे थे हमारे संसार में शांति सुख नहीं है, क्योंकि पूर्वज लोग अगर कभी कभी दुखी हो, जिसको कहते हैं पितर दोष है, इसलिए कभी कभी घर में सब कुछ है, अगर पितर जो लोग पहले चले गए अगर उनको शांति नहीं मिले फिर वो दुखी रहते, और वो दुखी रहने पर फिर परिवार में शांति सुख नहीं मिलती। लेकिन इनकी उद्धार कल्याण कैसे होता है, तो भागवत कथा से इनका उद्धार हो जाता है। इसलिए इनके परिवार के यहाँ पर कुछ फोटो है, कहते श्री देशराज गुप्ता है, श्रीमती काकी देवी है, श्री रमेश गुप्ता है, श्रीमती सुदेश गुप्ता है, पुत्र श्री रमण गुप्ता है, हैं? इसलिए उनको जो जिस उनका बेटा जो अभी है यार, नहीं रमण गुप्ता भी नहीं है, इसलिए इनको आत्मा को शांति मिले, हैं? इनको उद्धार हो, कल होगा तो इनको जगन्नाथ जी का प्रसाद, जगन्नाथ हमारे श्री श्रीकांत प्रभु जी, जगन्नाथ जी का प्रसाद, कल नहीं तो परसों हम लोग करेंगे जगन्नाथ जी का प्रसाद, फिर आप उनको थोड़ी सी प्रसाद भोग लगा देना, ठीक है? इसलिए बोले निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हाँ, बोले हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hari bol, Hari bol, Hari 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 bol, 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 जो लोग इसमें कथा देख रहे हो कल से जो कथा है जैसे 8 से 8:30 तक हम कथा करते थे ऐसे ही कल हम लोग पहले 8 से पहले हम कथा शुरू करेंगे और 8:30 बजे हम कथा को विश्राम दे देंगे इसलिए आप लोग जैसे कथा होती थी ऐसे ही कथा होगी जय श्री श्री गुरु गोरानंद गोविंद गोपीनाथ हनुमान जी विजय Yeah.
Thank you.
Thank you.
राग माधव पद कृष्ण जय कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम
श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मुंदी राधा रव सरस्वती गोकुल दिखे।